रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो सर। जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी, 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी, नमस्ते राहुल जी, जय गुरु जी। स्वागत है आप सबका आज के इस वेबिनार में। आज बहुत कुछ डिफरेंट है, बात करते हैं हमने दो चार मिनट। स्वागत है आप सबका आज के इस वेबिनार में। आज हम बात क्या करने वाले हैं, आज किस चीज का वेबिनार? डॉक्टर साहब बताओ, डॉक्टर साहब अनम्यूट करें। डॉक्टर साहब किस चीज में वेबिनार है आज? क्या जो भी सुमित सर देंगे ना सर, आंखों पे समझो, ये बात भी बढ़िया है। जो भी सुमित सर देंगे, टॉपिक टॉपिक तो समझना पड़ेगा ना, टॉपिक क्या है? जी हाँ भाई, क्या टॉपिक है आज का? इंटीरियर डेकोरेशन समझो, इंटीरियर डेकोरेशन। सर मेरा ख्याल है ये वास्तु के ऊपर है, और वास्तु इंटीरियर जो है ना, ये उसी को डिस्कस करने वाले आज सब हम। कितना इम्पोर्टेंट है इंटीरियर और वास्तु में? बहुत इम्पोर्टेंट है सर, जितना आउटर उतना है इंटीरियर। ये बात इसी। अरुण सर आपका क्या राय है सर? अरुण जी अनम्यूट करिए, बताएं सर। नहीं सर, हेलो सर। सर इंटीरियर ये है ना, प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना इनसाइड द हाउस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Only the objects are there important, the curtains and this kind of the colors and the paintings, that also is important or not? That's a part of our life or not? बहुत ही जरूरी है तुमको। कोई मुझे ऐसा बता सकता है? मुझे गौतम भाई कुछ कहना चाहते हैं। गौतम भाई से पूछते हैं। जी गौतम जी, अनम्यूट कर लो गौतम सर। गौतम कुमार जैन साहब अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी, हेलो सर। हाँ नमस्कार सर, राधे राधे। नमस्कार राधे राधे जी। क्या लगता है आपको कि हमारे घर का इंटीरियर हमारे लिए जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाता है या नहीं लाता है? जी बिल्कुल, जरूर लाता है। इंटीरियर और आउटर जो भी होते हैं, मतलब हर चीज हमारे जीवन में। पर मेरा मानना, एक चीज समझ नहीं आती मुझे आज तक, ये बात समझ नहीं आई है। मैं आप सब से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इंटीरियर जब हम चूज करते तब हम वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते ही नहीं है। हाँ, कैसा तुत है ये? यही तो जीवन का उद्देश्य होगी। रियल ग्रोथ ये तभी हो जाता है। राकेश खन्ना जी बताओ क्या चाहते हो, बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या ये बात सत्य है? नमस्कार। इंटीरियर के टाइम हम वास्तु कंसल्टेंट से एडवाइस लेते हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल। कितने परसेंट लोग हैं जो एडवाइस लेते हैं? गुरु जी राहुल सर, मेरे हिसाब से सर जो बंदा वास्तु करवाता है और वो उसका पूरा जहन अपनी कोठी पे अगर वो कराएगा तो इंटीरियर जब कराएगा उसके साथ ही ऑर्गेनाइज होकर कराएगा। सर दुनिया भाई आप क्या, आपकी राय क्या है? सर मेरी राय है कि करवाना ही चाहिए इंटीरियर, करवाना चाहिए। पर करवाते हैं लोग? कोई नहीं करवाता सर, बस ऐसे अपने मन से बना देते हैं। हाँ, the fact is that कि हम एक तो आप लोग कैमरा बंद है, मैं बात किससे कर रहा हूँ? सर कन्हैया से बात कर रहे हैं आप? अरे कन्हैया जी के तो दिख रहे हो, बाकी कहाँ गए? हेलो, बाकी धीरे धीरे फ्रेश हो रहे हैं सर, चमक दमक के आएंगे ना सामने कैमरा पे। बिल्कुल बिल्कुल आना ही पड़ेगा। हम तो अभी दुकान में अभी थोड़ा देर में बंद करके घर पे जाएंगे, तो रास्ते में कुछ हुआ तो हुआ नहीं। राइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स टू इंटीरियर। 90% मैंने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन किया है मेरे सर्कल के अंदर, मैंने बहुत से लोगों से बात करता हूँ, उसमें एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा कि जब आप घर में इंटीरियर करते हो क्या आप Can you consult about वास्तु? क्या आप उसके बारे में वास्तु सोचते हो? 70-80% they deny। मैंने ना बोल दिया। जी सर, पक्का। रीजन क्या होता है कि आपको एक पेंटिंग पसंद है, यू टुक एंड पुट इट आउट। आपको एक झूमर पसंद आया, आपने लिया और लगा दिया। आपको एक स्पेस दिख गया कि यार ये जगह खाली है, यहाँ पे काउच आएगा बहुत सुंदर सा, लेदर का काउच लगाऊंगा या इस तरीके का काउच जो मेरे अपकमिंग कलर्स से मैच करता हुआ, और आप उठा के दिया।
दैट इज अ ट्रुथ वन. व्हाट जो मैं आपको बता रहा हूँ यही एक सत्य है. आलोक जी क्या ऐसा होता है? You have to repeat your question because I think that I was trying to unmute myself because it was coming that host has I was saying that unmute. If you like any painting, if you like any kind of chandelier, if you like anything to who जो आपके घर को decorate करते हैं, आप अपने घर में ला देते हैं, क्या आप उसके लिए वास्तु की consultation सोचते हैं कभी? देखिए मैं ये कहूँगा around 80 to 85 even to 90% people they don't because एक layman को वास्तु के इफेक्ट्स का आइडिया ही नहीं है. अब थोड़ा बहुत नॉलेज होने लगी है, अदरवाइज नॉर्मली वी डोंट या वी डोंट. मायसेल्फ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. आज से दो साल पहले मुझे जो चीज पसंद आ जाती थी मैं ला के घर में लगा लेता था. करेक्ट. फैक्ट इनफैक्ट हो ये रहा था कि मैंने नॉर्थ में एक रेड ब्लड रेड कलर की पेंटिंग लगा रखी थी और इट वॉज इम्पैक्टिंग मी अ बैड वे. एब्सोल्युटली. That's my own personal experience I'm going to share with you guys. So, ऐसा ही अनुभव आप लोगों का भी है. Reason सिर्फ ये है कि हम हमारी choice तो हमें decide कर लेते हैं, पर placement decide नहीं कर पाते. हम हमारा space तो दिख जाता है हमें कि हमें ये space है. We will use it as a couch, as a table, as a dining, as a small divan like kind of bed, as a something we can use. बस इस स्पेस को भरना है तो जो हमारे घर की सुंदरता बढ़ाएगा हम गमले लगा लेंगे आप बहुत अच्छे लगेंगे. पर सर भाई साहब बहन जी दोस्त हमदम मेरे मित्रों मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर एक छोटी सी बात है कि अगर वही चीज जो सुंदरता है वो अभिशाप के तौर पे हमारे साथ काम कर रही है तो हम उसको कैसे उसको मैनेज करेंगे? ये चीज हमें समझनी पड़ेगी क्योंकि तो जिंदगी में इंटीरियर हर घर को चाहिए. हर इंसान हर अपना घर सुंदर रखना चाहता है और स्पेशली महिलाओं का देखा जाए तो दे लाइक टू एवरीथिंग विल बी मैचिंग. द मैचिंग विल बी गुड. मैचिंग अच्छी बात है पर वो मैचिंग कहीं हमारी लाइफ को अनमैच ना कर दे. ये हमें इंपॉर्टेंट रखना है. अगर मैं देखने जाऊं मैंने जब से अंकुर खेल हम लोगों ने बनाया है संदीप बजाज की एक जो सोच थी अंकुर खेल का प्लेटफॉर्म बनाने की इस सोच के बाद हमने सबसे पहले हमने निमोलॉजी समझी. हमने अपने आप को सही किया. फिर हमने उपाय सीखे तो जिससे हमने हमारी लाइफ को और स्मूथ और बेटर. हमने वास्तु सीखा. हमने हमारा लिविंग स्टाइल चेंज करना सीखा. अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई है हमने. बट स्टिल मैं आप सबसे एक चीज हमेशा बोलता हूं कि अपने आप को एजुकेट करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो हमारे जीवन पर बहुत भारी पड़ जाती है. कब एक छोटा सा जख्म नासूर बन जाता है हमारे जीवन में और हमें पता भी नहीं. 3 साल पुरानी पेंटिंग 5 साल पुरानी पेंटिंग हमें पॉजिटिव एनर्जीज की जगह नेगेटिव एनर्जीज. तो ऐसे बहुत सारे अनुत्तरित सवालों का जवाब आज हम समझेंगे आचार्य सुमित रावल जी से. आचार्य सुमित रावल जी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं. वो अपने आप में एक खुद एक इंस्टीट्यूट है. उन्होंने मोर देन 12,000 हाउसेस 2,000, 3,000, more than 3,000 industries, एक पूरा area of industry का use किया. उन्होंने आपको जो सिखाना है, उनके बारे में एक बहुत अच्छी बात है, तो पढ़ाते नहीं, वो सिखाते हैं. पढ़ाने और सिखाने में differentiate आप लोगों को आज मैं एक सही मायने बताता हूँ. हम हर क्लास में आचार्य जी आपसे मजाक में बोलते हैं, मुझे पढ़ाना नहीं है, पर इसका बहुत बड़ा differentiate आपको मालूम है. हम एक कहावत बोलते हैं, ये पढ़ा हुआ नहीं ये गढ़ा हुआ है. ये पढ़ा हुआ नहीं ये गढ़ा हुआ है. इसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है. अच्छी से अच्छी एजुकेशन लेके अच्छी से अच्छी हम बात कर सकते हैं, अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं. हमें एजुकेशन है तभी हम बात कर पाते हैं अच्छे तरीके से. पर एक अनुभवी व्यक्ति आपको पढ़ाने के साथ आपको रियल लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ इम्पैक्ट बताता है कि अगर आपने ये गलती की तो हमने मैम किसी मेरे हम लोगों ने ये भुगता है, आप मत भुगतो. इसीलिए हम आपको ये बताते हैं. दैट इज अ ट्रुथ वन. एक अनुभव जब आदमी को अपना अनुभव आदमी शेयर करता है. हम क्यों हमारी हर सलाह में बूढ़े बुजुर्गों की सलाह देते हैं? हम हमारे सीनियर्स की एडवाइस क्यों लेते? इसीलिए क्योंकि उनके पास एक अपना अनुभव है. जिस अनुभव के साथ ही वो आपको पढ़ा.
तो पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य रहते हैं, मैं स्वागत करना चाहूंगा आचार्य सुमित राधव सर का। सुमित सर जय जयकार, राधे राधे, प्रकट भयो नंदलाला सर, बच्चे इंतजार कर रहे हैं सर, कहा हो सर, देख ना रहे। नमस्कार, जय जयकार आप सबको, आपके भीतर बसने वाले उस प्रभु को मेरा नमन। बहुत सर, जय जयकार ऐसे थोड़ी होती सर। जी सर, कैसे होती सर, पहले आप अपने आप को अनम्यूट करें। सॉरी सर, राइट स्टार्ट करते हैं। ऊपर से एनर्जी को नीचे बुला लीजिए एकदम, क्योंकि जोश कम था थोड़ा जय जयकार में। तो प्लीज अपने आप अपने अगर चाहें तो वो क्या कहते हैं हमने कैमरा खोल के रखिए ताकि मुझे पता लगे मैं किससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, या शाम पटल पे ही चल रहा है सारा कहानी। ओके, यस 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 यस, अमेजिंग। प्रार्थना करते हैं। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुज बनकृसानं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूषयाभिरतः प्रभु मद्गृहे सुखं कुरु कुरु। ओम ओम ओम, जय जयकार आप सब। जय जयकार सर। शुरुआत करने से पहले एक बात बहुत अच्छी मैं कह दो सर, इजाजत है? हाँ हाँ, अरे पक्का सर एकदम। आपकी जो प्रार्थना है ना सर जी, इस प्रार्थना को अगर हम दिन में एक बार सुन लें तो मुझे ऐसा लगता है हमारे आधे वास्तु दोस्त वैसे दूर हो जाए। फैक्ट है सर, ये फैक्ट है सर जी, एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा, एक जो वाइब्रेशंस हैं इस प्रार्थना में, राइट, दैट इज रियली वन दैट आई कैन फील इट, और नॉट मी अलोन, आई थिंक सो। यहाँ पे बैठे हुए तकरीबन 150-200 लोग हैं जो इस बात को फील कर पा रहे हैं। तो बताइए किसको फील हो, आती है नहीं आती? योगेश जी, जो राहुल सर बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं क्या? सही कर रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, हम तो सुबह उठ के कर ये लेते हैं सर, हमको तो याद हो गया। प्रमाण की आवश्यकता ना होती सर, तो ही सर बोले हैं सर की याद हो गया है, ऐसा नहीं। बिल्कुल सही सर, ये तो अलग वाइब्रेशन लेके आते हैं, फिर से क्लास करने के लिए अमरकंटक आ गया। ग्रेट, थैंक यू तोहिन भाई, यू आर अमेजिंग। क्या है कि हमारा जो परंपरा है वो ऐसी है कि हमें सबसे पहले जिस गुरु ने हमें, दो जन्म होते हैं हमारे ना, एक तो माता जी पिताजी देते हैं जिसका हम एहसान कभी भी नहीं उतार पाते, माता का तो खासकर, क्योंकि हम जेंट्स जो हैं वो क्रिएट नहीं कर सकते, हम उसका पार्ट हो सकते हैं बट वी आर नॉट क्रिएटर्स, तो इसलिए माता जी का खास उसमें योगदान है। और चांसिंग लिए नवरात्रों का पर्व है तो इसलिए जोर की हम कह सकते हैं, एक बार ऑन कर दीजिए जोर के, बोले जय माता की, है ना, पूरे जोश के साथ एक बार माता जी का नारा लगा दें। और यहाँ जो माताएं बैठी हैं वो भी लगा दें क्योंकि उनको भी माता जी नहीं है, वो जी सर प्रकृति माता जी का नारा जोर के बोलिए, जोर के बोलो जय माता की। और अगर आप जय माता 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 जय माता
जी सर, चाहे माता किसी भी धर्म की हो, माता तो माता ही रहती है क्योंकि वो क्रिएटर है। सही बात तो ये है कि इसीलिए हाथ पकड़ के चलना सिखाती है और वो हमारी सारी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करती है। तो हमारी परंपरा कुछ ऐसी है कि हमें अपने माता का पिताजी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इतना सुंदर संसार देख पा रहे हैं। नहीं, उनसे बड़ा कोई हमारा देवता नहीं है। जीवित देवता के रूप में हम माताजी पिताजी की पूजा कर सकते हैं। अगला जन्म जो देता है वो क्या कहते हैं कि हमारी दादी कहती थी गुरु बिना गति नहीं, गत नहीं। गत का मतलब है कि संसार में जो सीखना है, इस संसार के भव सागर को जो पार करना है, उस दूसरा जन्म गुरु जी का होता। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आपको पता है मेरी स्टोरी की, मैं एक बिजनेसमैन की तरह मैंने शुरू किया वेरी अर्ली और वो बिजनेस डूबा, वास्तुशास्त्र के दोषों के कारण डूबा। और मैं जब मरने गया तो मुझे चांसिंगली एक महापुरुष मिल गए जो मेरे गुरु जी हैं, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। 85-86 मेंटर से मैंने सीखा, पर जो गुरु होता है उसके हाथ व्यक्ति बिका हुआ होता है, उसको पता होता है कि उसने मेरी जिंदगी में क्या कन्वर्जन किया और हैंड होल्ड करके उन्होंने मुझे ये सारी विद्याएं सिखाई, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, NLP, रेकी, ओपनोपोनो, इस तरह की दुनिया जहान की, मतलब 15-16 तरह की जो विद्या है उन्होंने ही उसका इंट्रोडक्शन किया। बाद में धीरे धीरे वो आगे बढ़ गया। जी मैम कहिए, देवेंद्र पुरोहित जी। मुझे देवेंद्र पुरोहित जी, मुझे ये आगे बढ़ना है, इसमें आगे बढ़ना गति में, हाँ गति में आगे बढ़ना है, गति में आगे बढ़ना है। तो आपका स्वागत है मैडम, पक्की बात, बढ़ा देंगे आपको क्योंकि यहाँ राहुल बहुत बहुत फास्ट है। सर एक देवेंद्र मैन, आपकी क्लास चालू होगी, आप अपनी क्लास चालू हो गई, जाओ। ऐसे थोड़ी ना भाग जाता है कोई किसी की क्लास। अरे मैम यहीं रहो आप। अरे नहीं सर, क्लास चालू हो गई है, बच्चा मोबाइल न्यूमरोलॉजी वाले जो बच्चे हैं प्लीज अपनी क्लास में। सर मेरी बचपन से इच्छा थी और अब आप मिले हैं तो मुझे गति करनी है, इसलिए मैं सीख रही हूँ। क्या सीखना चाहते हो मैम ये बताओ। मुझे वो मैंने ये सब पढ़ा है ना, क्या आत्मा का ज्ञान, अध्यात्म और धर्म। अच्छा हाँ जी, अभी पहले मैं मुझसे वास्तु सीख लो, उसके लिए तो अभी मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन धीरे 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 पहुंचा देंगे वहां तक भगवान कभी ना कभी। हमारी क्लास चालू थी गई है, पहला त्या जो पची त्या लेटती है सर, आओ जो। तो इसीलिए अगर हम गुरुदेव को साक्षी मानकर अपने इष्ट देव को सामने रखकर कोई बात कहते हैं तो अगर कुछ गलती भी हो रही हो तो मेरे को लगता है कि वो संभाल लेते हैं ना। जैसा कि आप सबको पता है और राहुल भाई ने भी बताया कि मुझे, मैं बहुत अनाड़ी आदमी, मुझे पढ़ाना वढ़ाना बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब ये बात तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ और बाकी जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो भी कह सकते हैं, यहाँ बिल्कुल सबको पढ़ाना नहीं आता, लेकिन फिर भी क्लास चल रही है, आप आई जाते हैं, आपका प्रेम स्नेह सत्कार जो मिलता है उसके लिए मैं आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद हूँ। और जो नए जुड़े हैं वो भी प्लीज मेरी बातों का बुरा ना माने क्योंकि थोड़ा सा मामला ऐसा ही है, राइट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इंटीरियर विद वास्तु, है ना, वास्तु और इंटीरियर। तो अभी मैं जैसे चर्चा सुन रहा था राहुल भाई की किन्हीं सज्जन से कि राहुल भाई ने पूछा कि कितने लोग जो हैं इंटीरियर करते समय या सामान लेते समय वास्तु वाले से सलाह लेते हैं, तो किन्हों ने कहा था ताकि शायद 80%। आलोक जी आपका विचार क्या है इस विषय में? बिल्कुल मैं आपके, मैं ये मानता हूँ कि तकरीबन 85-90% लोग जो जब वास्तु करते हैं या जब कोई सामान खरीदते हैं घर के लिए तो वास्तु स्पेशलिस्ट से बात नहीं करते, अपने आप जो उनको कलर पसंद आया, जो उनको टेक्सचर पसंद आया, जो उनको ऑब्जेक्ट पसंद आया, दे विल कम एंड कीप इट एट अ प्लेस वेयर दे आर फील, दे आर फीलिंग कंफर्टेबल। बिल्कुल सही कहा। अभी आपको पता है कि हमारे देश के अंदर 19 करोड़ घर है अप्रोक्सीमेटली, आज की तारीख में 19 या 20 करोड़ घर के आसपास हम लोग कहीं मूवमेंट में है, 135 करोड़ की जनसंख्या केवल 20 करोड़ घरों में रहती है और सारे मेरे जैसे वास्तु कंसल्टेंट मिलकर भी अभी 1 करोड़ घर नहीं कर पाए, मतलब 1 करोड़ लोगों को हम गाइड भी नहीं कर पाए कि यार। तो आप सोचो कि वो जो रेशियो है वो 99% तो है ही, कि जो मेरी समझ में आया जो मैंने वहां रखा, और ये बिल्कुल सही भी है, आपको जो चीज पसंद आए आप लेकर आइए, मेरी भाभी, मेरी बहन, मेरी माताएं जो भी हैं वो सब कुछ सामान लेकर आए, या आप कहीं बाहर गए आपको अपने लिए कोई स्कल्पचर ले आए, कोई सुंदर सी चीज ले आए, उसको कहीं भी रख दीजिए, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें क्या बुराई है, मतलब हर बार थोड़ी ना फोन करके पूछो कि सुमित सर बताना जरा मैं ये खरीदा घोड़ा ये कहाँ रखूं, या मैं ये वाली पेंटिंग रखी है इसके अंदर देखो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो, सुमित सर को आधा खुद समझ नहीं आ रहा होगा उसमें क्या होगा मैं क्या रखूं,
इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन वास्तुशास्त्र कहाँ इंटीरियर में काम करता है उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि अगर आपको उसी पर्टिकुलर चीज से लाभ लेना है, लाभ लेना है, जैसे कि हम लोग डस्टबिन है हमारे घर में, एक छोटा सा एग्जाम्पल, किसने एग्जाम्पल कि हमारे घर में डस्टबिन है, किसके घर में नहीं है, सभी के घर में, और हम रूम के किसी भी हिस्से में उसको रख देते हैं, नहीं ऐसे ही होता है लोग सर? नहीं, बिल्कुल सर। ये मेरी डेस्क है, इसके नीचे है, मैंने कहा भाई यार वो मेरा मैनेजर भी सुमित है, यार डस्टबिन रखा दिया यार, हमने नीचे से उठाई और उसमें कूड़ा डाल। अब इसमें क्या बुराई और क्या गलती है? कोई गलती नहीं। लेकिन अगर हमें डस्टबिन से भी लाभ लेना है कि हमारे पैसे कम खर्च हो, तो हम उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन SSW में रखते, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में डस्टबिन जूता झाड़ू रखने से फायदा होना शुरू हो जाता। क्या कमाल की विद्या, मतलब हम तो डस्टबिन को भी नहीं छोड़ते। इसीलिए मैं कहता हूं कि वास्तुशास्त्र किसकी विद्या है? साइंस ऑफ डिजायर मैनिफेस्ट। अरे नहीं सर, आज तो यही है सर, आज तक यही बोला। नहीं, नई बात भी बता देता हूँ, स्वार्थी बनने की विद्या है। स्व अर्थी यानी अपने अर्थ को ढूंढने वाला व्यक्ति जो है वो वास्तु में आ ही जाता है कि एक एक चीज का अगर हम निर्णय कर लें कि हमारे को इससे लाभ लेना है, हमारे को इससे लाभ लेना, मानव की प्रकृति है, बिना लाभ के वो कोई काम नहीं करता, राइट? तो मैं पद्मा जी से पूछना चाहूंगा, पद्मा पड्डी कालवा, मैं शायद अनम्यूट कैसे करेंगे? मैडम अनम्यूट करें पद्मा मैम। पद्मा पड़ी कालवा शायद ये नहीं कर पा रहे हैं या कहीं होंगे, तो मीना जैन जी से पूछ लेते हैं। मीना जी। यस सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ क्यों आए? सर मैंने फर्स्ट टाइम आपका सेमिनार, मैंने डेमो आपका अटेंड किया सर, मेरे लिए फर्स्ट है। आपने जिस तरह से अभी जो बोला है डस्टबिन का, आपने एग्जांपल दिया सर कि हमें हर एक चीज का फायदा उठाना चाहिए, जो यूटिलाइज हमें होना चाहिए, अगर वास्तु के हिसाब से करते तो बेनिफिट हमें मिलता ही है ना सर। मेरा क्वेश्चन ये, वो तो बात आपकी सही है, कि आप यहाँ क्यों आए? सर सीखने के लिए आए, नॉलेज। क्यों? प्रॉपर गाइडलाइन। किस विषय में? वास्तु में सर। क्यों वास्तु? सर डायरेक्शन भी, सर डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। वो क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए? सर क्योंकि पर्टिकुलर बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो हम बार बार नहीं ले पाते, लाइफ का डिसीजन है सर, अगर रॉन्ग हुआ तो सर पूरी लाइफ हिल जाती है हमारा। वो तो ज्योतिष बताती है, वो तो वास्तु का काम ही नहीं है। हाँ सर, बट ज्योतिष सब प्रॉपर थोड़ी ना होते सर। सर जय गुरुजी। जय गुरुजी। मीना मैम ने यहाँ पे कुछ लाभ लेने के लिए तो आए हो कि हाँ भाई कुछ तो मिलेगा ही, यहाँ वेबिनार में आ जाते हैं, ये बंदा कुछ तो बता ही देगा, ऐसे ही है ना? तो कुछ लाभ लेने के कारण आप यहाँ पर हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर बिना लाभ के आया। चलो देख लेते हैं, खाली वो ठीक सा आदमी आया है, उसे खाली देख ही लेते हैं। एक राहुल सर है, वो तो दिखते भी नहीं बेचारे, क्या देखेंगे? नहीं, बिना लाभ के हम कोई कार्य करते ही नहीं, और वास्तुशास्त्र आपको एक एक चीज से लाभ लेना सिखाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, वास्तुशास्त्र इज अ शास्त्र ऑफ डिजायर मैनिफेस्टेशन, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपने लाभ के लिए, स्व अर्थ के लिए, कि हम उससे कैसे आगे आगे बढ़ते चले जाएं, कैसे लाभ लेते चले जाएं अपनी जिंदगी में, छोटे छोटे लाभ लेकर एक बड़ा लाभ कैसे बना ले, वो सारा काम वास्तुशास्त्र करता है। अब कोई मुझे बताएगा कि आज के विषय के ऊपर आते हैं कि लाभ की बात तो होगी कि यहाँ आया तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, पक्की बात है मीना जैन जी, बिल्कुल एकदम पक्की बात है, लाभ लेकर जाओगे, बिना लाभ के नहीं छोड़ने वाला मैं आपको, ठीक? क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में किसी की भी एक छोटा सा भी मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँ तो मेरा जिंदगी और मेरा दिन सफल हो जाता है। और जिस दिन मैं नहीं करता, जिस दिन राहुल सर नहीं बुलाते मुझे यहाँ जूम पर, उस दिन मुझे लगता है खाली खाली है ना। जिस दिन हम लोग ना मिले उस दिन आपको लगता नहीं खाली खाली है? सही सही सर, सुना सुना सा लगता है, मतलब आपसे मिलने की ऐसी आदत हो गई मेरी, अब मैं क्या करूं। कुछ आदतें अच्छी भी होती है ना, बिल्कुल आदतें बुरी नहीं होती, राइट? थैंक यू मुजफ्फर सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर काइंड लव। तो इंटीरियर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एनीबॉडी हु इज परसुइंग इंटीरियर, या जिसका इंटीरियर में शौक हो,
नैना पटेल जी, कुछ आपका है शौक इस विषय में? Yes, it's a decoration of your home. Oh wow, decoration of your home is called interior. ताकि आपका घर बहुत अच्छा लगे, सुंदर लगे, है ना, ऐसा ही है ना? Yes, to get comfort. हाँ, house is a comfort zone of ours, which where we come and rejuvenate and get ready to do some more things. Exactly. And whoever comes to my home, they also get comfort and get good vibes of my home. Yes, positive energy का ये खेल है कि जब आपका घर comfort मतलब positive energy से भरा हुआ होता है तो वो एक cozy place होता है, वहां पे आके जाने का मन नहीं करता। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि मैंने कुछ घर करे वास्तु शास्त्र से, और उनके यहाँ उनके मेहमान आकर कहते हैं कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता। How nice. है ना, तो उनके लिए भी मैं कहता हूँ कि अगर मेहमान नहीं जा रहे तो उनका कमरा नॉर्थ वेस्ट में बनाओ, जल्दी चले जाएंगे और जयकार करते हुए भी चले जाएंगे। तो ये सब व्हाट्सएप, अगर आपको लगता है कि आपके मेहमान ज्यादा देर टिक जाते हैं तो गेस्ट रूम को नॉर्थ वेस्ट में बना दीजिए, वायव्य कोण में, वायु की तरह आएंगे और वायु की तरह ही चले जाएंगे। थैंक यू मैन, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेट। तो इंटीरियर जो है वो बनता किस बात से है, इसे नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए अगर आप चाहें नोट करना। तो पहली होती है इंटरनल वॉल्स। इंटीरियर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा आइटम है। एक्सटर्नल वॉल्स ऑफ अवर हाउसेस रिप्रेजेंट्स अवर एक्सटर्नल बॉडी, यानी हमारी स्किन या एक्सटर्नल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है हमारी एक्सटर्नल वॉल्स, जो बाहर की वॉल्स होती है, पेरिफेरी की जो वॉल्स होती है वो हमारे एक्सटर्नल वॉल्स को इम्प्लीमेंट डेजिग्नेट करती है। अगर वो खराब होंगी, खड्डेदार होंगी, तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएगी या आपकी आउटलुक खराब हो जाएगी। एंड इंटरनल वॉल्स ऑफ हाउस रिप्रेजेंट्स इंटरनल ऑर्गन्स और पेरिटोनियम। जैसे एक स्किन हमारे यहाँ पर खाल है, इसको हम खाल कहते हैं, इसके नीचे खाड़े तो नसें नाड़ियाँ निकलेंगी, वैसे ही हमारे अंदर गले के नीचे एक थैली है, उसको पेरिटोनियम कहते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स एक सैक में पैक है। जब वो सैक टूट जाता है तो इंटरनल ऑर्गन बाहर आ जाते हैं, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, हर्निया। हर्निया इज नथिंग बट टीयरिंग ऑफ पेरिटोनियम वॉल, और कभी कभी उससे हमारी वो निकल आती। जब पेरिट इंटरनल वॉल्स हमारी खराब होती है, हमने ज्यादा उसके अंदर कीलें ठोकी हुई होती हैं, बड़े बड़े स्कल्पचर लगाए होते हैं या हमारी दरारें होती हैं, तो हमारा इंटरनल खराब हो जाता है। पेरिटोनियम का डायरेक्ट संबंध हमारे सबकॉन्शियस माइंड से है, क्योंकि यहां तक खाना खाने तक, केवल खाना खाने तक हमारा कंट्रोल है कि हम उसे खा लें या सूख लें, लेकिन उसके बाद तक सारा काम ऑटोनोमस सिस्टम में चला जाता है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, हम उसको बाहर नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब को पता है, डॉक्टर मंजू मैम है, मैम ऐसा ही होता है कुछ, या मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो डॉक्टरी पढ़ा हुआ नहीं। पेरिटोनियम तो डॉक्टर साहब एब्डोमेन में होता है, एब्डोमेन में होता है नहीं, तो इंटरनल स्किन है। और कमाल की बात है, वो सारा का सारे ऑटोनोमस सिस्टम को वो संभाल लेता है, यानी यहाँ से बाद ओसोफेगस, ओगोफेगस के बाद नीचे जो क्या कहते हैं वो ड्यूओडेनम, ड्यूओडेनम के बाद उसको क्या स्टमक, स्टमक के बाद बाइल डक्ट, ये सारी की सारी चीजें सेल्फ प्रोसेस में रहते हैं। तो ये सब कुछ संभालने वाला जो माइंड है उसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। और अगर हमारा इंटीरियर खराब होता है तो हमारा डायरेक्ट रिलेशन सबकॉन्शियस माइंड से खराब हो जाता है, वो वाइब्स जो है आपको खराब देता है। तो जितनी दिशाएं हैं हमारी, मान लीजिए चार दिशाओं के ऊपर आज हम बात करेंगे, दिशाएं कितनी है, चार, उसके बाद उनकी उपदिशाएं आठ, उनकी उपदिशाएं करके 16, सेंटर और आकाश को मिलाकर 18 दिशाओं के ऊपर अपन जो है जो भी कोर्स आएगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर आज चार दिशाओं के विषय में ही बात करेंगे, क्योंकि विषय इतना बड़ा है, वास्तुशास्त्र समझने में थोड़ा समय तो लगता ही है, और फिर मुझे इस फील्ड में 20-22 साल हो भी गए, तो आज चार दिशाओं का इंटीरियर कर लेंगे, ठीक है, बाकी की छोड़ देंगे। जी सर, ग्रेट जी। तो सबसे पहला जो हमारा इंटीरियर का पार्ट है वो इंटरनल वॉल्स ऑफ हाउस, उसके बाद उसके ऊपर क्या होता है, उसके बाद आजकल के समय में उसके ऊपर हम करते हैं एक लेयर जिसको हम कहते हैं पुट्टी करना, क्या कहते हैं, ऐसा ही होता है, पुट्टी, उसके बाद हम स्मूथिंग ऑफ वॉल करते हैं, स्मूथिंग ऑफ वॉल जिसे हिंदी में कह देते हैं पुट्टी करना, वॉल पुट्टी कर दी हमने, जो कि हमारे वॉल्स को स्ट्रेंथनिंग देती है, लेकिन उसका मेन पर्पज स्ट्रेंथनिंग नहीं है बिल्कुल भी, वॉल्स को स्ट्रेंथनिंग सीमेंट देता है, और वॉल पुट्टी का मेजर कंटेंट जो है वो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो वो हमारी वॉल्स को शाइन देता है, सुंदरता देता है। उसके बाद अगली लेयर हमारी जो आती है वो है पेंट,
और यहीं से वास्तुशास्त्र शुरू होता है। भाई सीमेंट की वॉल्स हो गई वो तो हमें मालूम ही है सीमेंट की बननी है, अगर हम नहीं कर करेंगे तो ग्रे ही दिखेंगे, उसके ऊपर हमने पुट्टी भी करा ली तो वो ऑफ वाइट कलर की होती है, यूनिवर्सली सच है। उसके बाद आती है पेंट की लेयर, पेंट की लेयर के बाद क्या आएगा, लाइटनिंग, वातावरण में आपकी रोशनी कैसी है। अगर आपने लाइट कलर्स करा रखे हैं तो वातावरण खुला खुला लगेगा, और अगर आपने डार्क कलर्स लगा रखे हैं तो स्पेस मैनेजमेंट कहती है कि वो थोड़ा श्रिंक लगेगा। नेक्स्ट इज इंटीरियर डेकोरेशन, कि हम एक वॉल के ऊपर इंटीरियर डेकोरेट करा देते हैं और उसकी कुछ शेप्स होती हैं, मतलब कुछ मटेरियल होते हैं और कुछ शेप्स होती हैं। लाइकवाइज हम वुड के बहुत सुंदर सुंदर इंटीरियर्स करा सकते हैं, पूरी पूरी वॉल को वुड पैनलिंग करा सकते हैं हम उसके ऊपर। आज की तारीख में कुछ लोग टाइलिंग कर देते हैं पूरे पूरे वॉल के ऊपर, कुछ लोग वॉलपेपर लगा देते हैं, ऐसे ही होता ना इंटीरियर्स। ये हमारा वॉल इंटीरियर हो गया। नेक्स्ट इज पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। पेंटिंग और स्कल्पचर हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा रोल निभाते हैं, कि एक व्यक्ति एक पेंटिंग को देख के कुछ ख्याल आता है, और जब वो ख्याल आता है, जो जो आपके मन में भावना आती रहेगी, ख्याल आता रहेगा, उतनी पेंटिंग कॉस्टली होती जाती है। ऐसे ही है ना, मैं एक ऐसा पेंटिंग हाउस करके आया जहां पर दो दो पांच पांच करोड़ रुपए की 35-35 करोड़ की पेंटिंग्स देखी, और हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा था उसके अंदर क्या बवाल खाता था वो। लेकिन जिनको समझ में आता है उनको उसके अंदर इमोशंस दिखते हैं, पूरे पूरे लाइफ की पिक्चर्स दिखती हैं, तो वो पेंटिंग्स आपके ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से असर डालते। नाउ जस्ट राइट ऑल द डायरेक्शंस इन आवर हाउस आर टेम्पलेट्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जितनी भी दिशाएं हैं वो सारी की सारी आपके सबकॉन्शियस माइंड के टेम्पलेट्स हैं। एक टेम्पलेट को हटाओ वो वाला काम होना शुरू हो जाएगा, तभी ये साइंस बनती है, साइंस ऑफ डिजायर मैनिफेस्टेशन या इच्छा पूर्ति का विज्ञान। अब उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो क्या विश फुलफिलमेंट करेगी और हम उससे क्या काम ले रहे हैं, इसका अगर अलाइनमेंट हो जाता है तो हमारा काम कई गुना बढ़ जाता है और लाभ हमारा जबरदस्त तरीके से होना शुरू होता है। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेस्ट डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ गेन्स एंड प्रॉफिट्स। अगर आपको जिंदगी में कुछ भी चाहिए, गेन्स प्रॉफिट्स, कार, बंगला, हाउस, तो उसके लिए जो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है दैट इज वेस्ट। तो अगर आप एक पिक्चर खाली अपने इंटीरियर में चेंज करके, एक पिक्चर, जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं और जो नए हैं वो प्लीज नोट कर लीजिए कि अगर आप एक पिक्चर लगा लें अपने ड्रीम हाउस की वेस्ट में तो आप बहुत तेजी से वो अट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। या अपनी ड्रीम कार की एक पिक लगा लें वेस्ट डायरेक्शन में तो आपके पास बहुत तेजी से वो कार आएगी। तो मैंने 3 दिन के अंदर कार अट्रैक्ट कर ली थी, 3 दिन में, और 3 साल में एक घर अट्रैक्ट कर लिया इस तरह से ही विद इन 3 डेज। जब मैंने वास्तुशास्त्र करना शुरू किया फुल टाइम, तो उससे पहले मैं एक बिजनेसमैन था। जब मैंने बिजनेसमैन छोड़ के फुल टाइम वास्तुशास्त्र करा, तो वास्तुशास्त्र की तो खासियत है 2-3 घंटे वास्तुशास्त्र काम करता है बाकी सोता है। अब ऐसा डिप्रेशन सा हो गया भाई दिमाग में, खाली टाइम में करें तो क्या करें, 1-2 दिन उदासी में भी बीत गए। और ये भी बात बिल्कुल सही है, नॉर्मल बात है कि अगर आप कुछ उदास भी हो जाते हैं रंजना जी, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। मतलब आप कभी उदास भी होंगे, कभी हंसेंगे भी, कभी रोएंगे भी, कभी तकलीफ में भी आएंगे, लेकिन डटे रहे। अब मैंने कहा यार तो सुमित रावल भाई, तुम दुनिया को तो ये सिखाते हो कि मस्ती रहो, ऊर्जा से रहो, ये करो, डिजायर मैनिफेस्टेशन करो, फलाना करो, और खुद तुम इस वाले मोड में चले गए डिप्रेशन वाले, ये तो अच्छी बात नहीं। अब आत्मसंवाद चल रहा है ना अपने आप से। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अभी ऐसा करते हैं कि हम टेस्ट करते हैं कॉस्मोस को कि मेरी कार 3 दिन में आनी चाहिए और सबसे लंबी कार होनी चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव कि ये 29 अगस्त की बात है और 1 सितंबर को मेरी कार की डिलीवरी मुझे मिल गई, जिसमें मैं आज की तरफ चलता हूँ। ये बात हो गई लगभग 4 साल पुराने। तो इतने ही टाइम में आपको कॉस्मोस रिजल्ट दे सकता है, बस वो सही जगह पे लगी हो। तो ऐसे ही 3-4 डायरेक्शंस के विषय में लिख लीजिए कि कहां से कौन सी डिजायर फुलफिल हो सकती है। सौम्या जी वो है वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन जो है वो कार और गाड़ी खरीदने के लिए सबसे मुफीद डायरेक्शन। ये सुमित रावत ने, ये हमारे घर आए
अगर आपको तरक्की करनी है जिंदगी में बहुत ज्यादा, इफ यू वॉन्ट टू गेट मोर सक्सेस प्रमोशन इन योर ओन वर्क, जिस भी काम में आप हैं उसमें अगर आप बहुत तरक्की करना चाहते हैं तो यू हैव टू एक्टिवेट नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशाओं को आपको एक्टिवेट करना, बहुत आसान एक्टिवेट करना। उसका उपाय यह है कि आप एक झरना पानी का वहां पे लगा दीजिए इंटीरियर के अंदर, अपने पानी के झरने की तस्वीर या चलता हुआ पानी का झरना उत्तर दिशा में रखने से आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे और साथ में पैसा भी बढ़ेगा, जय जयकार हो जाएगी। सर एक कॉमन चीज पूछूं सर? क्या एक कॉमन क्वेश्चन है? मैं तो आपका राज खोलने वाला था, शुक्र आपने बीच में रोक दिया। चलो आप खोल दो, पहले राज खोल दो फिर पूछ। ये मंजू मैम, राहुल सर से इनकी वाइफ ने कहा, पद्मा मैम ने, कि यार और पैसे होने चाहिए, तो इन्होंने वो धरना लगाया, इनके पास पैसे आए और उसके बाद फिर कहने लगे क्या पैसा पैसा करती है, पैसे मेक यू मरती है। और ये शिकायत लगे हर द्वारा सर ऐसा हो रहा है, मैंने और दोबारा लगा लो, एक बड़ा झरना लगा लो, इससे ज्यादा क्या बड़ी चीज है। अब पूछो कॉमन क्वेश्चन क्या है। कॉमन क्वेश्चन ये है सर कि देयर आर टू थिंग्स, मतलब हम बात करते हैं कि बहुत सी ऐसी जगह नॉर्थ एरिया में है जहां पे वॉशिंग एरिया बना जी, दैट्स ऑल इंपैक्ट आवर मनी फ्लो, बढ़ाता है वो वॉशिंग एरिया, क्योंकि पानी का फ्लो तो वहां पे होता है, जैसे वॉशिंग मशीन लगी या किसी की सिंक लगी हुई है या किसी ने पानी का नल लगा रखा है, अगर हम बात करें जल तत्व की, तो इट्स इंपैक्ट ओवर देयर और नॉट? जो जल तत्व है, द एलिमेंट विच इज कॉल्ड वाटर या लिक्विडिटी, इट इज डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर मनी, क्योंकि पैसे की लिक्विडिटी होती है, पैसे का फ्लो होता है, मनी का भी लिक्विडिटी होती है, मनी का भी फ्लो होता है, तो अगर सही दिशा में वॉश बेसिन या वो लग जाए, मशीन लग जाए, तो वो बहुत पैसे पैदा करती है। तो वॉशिंग मशीन की दिशाएं लिख लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? वॉशिंग मशीन की दिशा दिखा, पैसे के लिए तो नॉर्थ में, कुछ लोग कहते हैं नॉर्थ में वॉशिंग मशीन नहीं होना चाहिए, पर मेरा अपना अनुभव है कि अगर आप मेरे घर में आए थे, मैंने आपको दिखाया था कि मेरे नॉर्थ में वॉशिंग मशीन, क्योंकि कितना पानी फेंकती है वो, है ना? बिल्कुल नॉर्थ में वो वॉशिंग मशीन पैसे लेकर आती है। पैसे का आइडिया चाहिए तो ESE में लगाई, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अब बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है सर। दो चीजें होगी सर यहाँ पे, तो पहले क्या? तो क्योंकि आज तो मैं भी सीखने के लिए बैठा हूँ, पूछा लगता लगेगा ईस्ट नॉर्थ, आइडिया क्यों चाहिए अगर डायरेक्ट पैसा आ रहा हो तो? क्या पैसा आ रहा है अगर वेस्ट नॉर्थ से, तो आइडिया जनरेट करने की जरूरत रहेगी? हाँ, क्योंकि पैसा आइडिया का बाई प्रोडक्ट है, आपको पता नहीं पैसे की प्रॉपर्टी, माइंडसेट ऑफ मनी इज, मनी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर वर्क, और पूरी वर्किंग का एक सिनेरियो, एक सिस्टम है, वो सिनेरियो के सबसे पहले आइडिया आता है आपका, उसके बाद उस आइडिया के ऊपर आप स्ट्रेटेजाइज होते हैं, वो आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, फिर आप उसके बाद फंडिंग ढूंढते हो कि यार मेरे को ये जो मेरा आइडिया है इसको ये फंड कहाँ से होगा, उसके बाद आपने उस आइडिया को एक्टिवेट करने के लिए अपनी एनर्जी लगाते हो, फिर एनर्जी जब आपकी एक्टिवेट होने के लिए लगती है तो वो आपको क्या देती है, एक फेम देती है, रिकमेंडेशन देती है। अब आप उसके अंदर रिकमेंडेशन भी मिल गई, पैसा भी लग गया और वो चालू भी हो गया, और उसके बाद आपको वहां पे कंसिस्टेंसी चाहिए, कि विदाउट एनी कंसिस्टेंसी कोई वर्क चलता नहीं, फिर आप उसका गेन्स आते हैं, यहाँ तक आके हो सकता है आपका काम यहाँ तक आके रुक जाए, पता लगा कि आपने इतना सारी मेहनत करी और आपको गेन नहीं मिला, तो वो फ्लो के लिए भी आगे चाहिए, वो फ्लो के लिए आपको फिल फोर्स चाहिए, फोर्स के लिए आपको अट्रैक्शन चाहिए, तो ये एक इट्स अ प्रोसेस इन वास्तुशास्त्र, जिससे कि आप उसके बाद जब एंड होगा तो आपका बाई प्रोडक्ट के रूप में पैसे मिलेंगे। जैसे कि इस समय हम लोग यहाँ पर कितने मैं आपके से एक साल से जुड़ा हूँ, आई थिंक छह महीने से, पिछले नवरात्रे से अब तक, है ना, कंसिस्टेंटली हम जुड़े हुए हैं, कंसिस्टेंटली हम क्लासेस कर रहे हैं और बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, और हम कंसिस्टेंटली वेबिनार्स कर रहे हैं, अगर ये ना होता तो क्या ये जर्नी हो सकती थी हमारी? नहीं। और आपके भी बता रहा हूँ कंसिस्टेंसी, देखो मंजू मैम कंसिस्टेंटली हमारे साथ हैं, योगेंद्र सर कंसिस्टेंटली हमारे साथ हैं, रिकब्दर सर हमारे साथ कंसिस्टेंटली साथ हैं, तो आपकी भी आपका भी उतना ही प्रेम जो है वो साथ साथ मिलता है, तो बिना कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं होता। इसके बाद जब हम सेमिनार करेंगे या हम अपनी क्लास लेकर आएंगे, उस बाई प्रोडक्ट के रूप में आप हमें पे करेंगे, नहीं राइट सर। जो है बिना आइडिया के, एक आइडिया आया कि सुमित भाई
तुम्हें पढ़ाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म मिल गया बड़े भाई के रूप में संदीप बजाज जी का, छोटे भाई के रूप में राहुल सर का, एक एसोसिएशन हो गई, उसके बाद एक विश्वास जमा कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है ये ठीक बात कर सकता है, बता सकता है। फिर आपको बताया गया कि ये पढ़ाना नहीं आता सर मुझे, लेकिन जो मेरा 20-22 साल का अनुभव है वो मैं अच्छी तरह से शेयर कर सकता हूँ। डर भी लगा, फिर जूम पे चढ़ भी गए और धीरे धीरे ये कंसिस्टेंटली काम होता चला गया। लेकिन अगर वो आइडिया ना होता, वो मिलन ना होता, तो कैसे होता? तो हमारे को उस बाई प्रोडक्ट के रूप में पैसा मिलता है और हम पैसे को सबसे पहले रख लेते हैं। नहीं आ रहा यार, मैंने काम तो बहुत कर लिया है, 5 मंजिल की बिल्डिंग भी खरीद कर दी जैसे योगेश जी ने, पैसा आ नहीं रहा। आइडिया लगाओ सर, कोई आइडिया जबरदस्त तरीके से चाहिए, है ना? दुखती रह गई, बहुत बड़ी दुखती रख रात रही है सर आपने। हाँ, क्योंकि हमारे ऑकल्ट में भी जो मेरे साथी जो है ऑकल्ट प्रैक्टिस कर रहे होंगे इस समय, जो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र या कोई भी रेकी, उनका एक दर्द है कि यार पहले बात तो क्लाइंट नहीं आते, है ना? क्लाइंट आते तो पैसे नहीं देते। ये तो बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी। इसके ऊपर पूरा का पूरा एक अपना एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आ रहा है, जिसके अंदर हम लोग यही सिखाएंगे कि ऑकल्ट साइंस वाले कैसे अपनी मार्केटिंग को वो स्ट्रेटेजाइज करें, क्योंकि ये इसकी मार्केटिंग हो नहीं सकती। मतलब इट्स नॉट अ नॉर्मल फील्ड कि हम इसको उठा के अपना ऐड करें, ये लीजिए मैं वास्तुशास्त्री और मुझे बुलाने का ये इतना खर्चा, नहीं हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, आपको कोई पैसे वैसे देने वाला नहीं है, इस बात की भी श्योरिटी है, क्योंकि अगर आप जितना ऐड करेंगे उतना कहेंगे यार ये बंदे को यार इसको पैसे की जरूरत है, इसको दिक्कत, तो उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे कभी। खैर फिलहाल कहाँ थे हम, भूल गए, देखो कहाँ भटक जाता मामला। वॉशिंग मशीन हो गई, यही भावना है जो छठी में छोड़ के चली गई थी और उसके बाद फिर आ जाती है, बह जाता आदमी भावना। तो वॉशिंग मशीन, हम अगर हमें आइडिया चाहिए तो ESE में लगा लेंगे, अगर हमें अपना डिप्रेशन दूर करना है तो WNW में वॉशिंग मशीन लगा लें। इन तीन दिशाओं में वॉशिंग मशीन जबरदस्त तरीके से वर्क करती है, बाकी जगहों पे भी वर्क करती है, कहीं न्यूट्रल रहती है, कहीं नुकसान देती है। जैसे साउथ वेस्ट में लगी हुई वॉशिंग मशीन बहुत नुकसान करती है हमारे रिलेशंस को और हमारी स्टेबिलिटी को, ऐसे साउथ में बहुत खराब होती है, साउथ ईस्ट में वो सारा पैसा खराब कर देती है। लेकिन आज वॉशिंग मशीन का टॉपिक तो है नहीं, इंटीरियर का टॉपिक है, इंटीरियर का टॉपिक है, और वॉशिंग मशीन कहाँ होगी, वो अंदर ही तो होगी। राइट, सो हम आजकल प्लान करते हैं कि वॉशिंग मशीन कहाँ पर हो। फॉरेन कंट्रीज में वॉशिंग मशीन जो है वो किचन के अंदर ही होती है, विच इज अ रॉन्ग वे, कि आपको आग और पानी इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, बट स्टिल कुछ चीजें वक्त के साथ भी चलती रहे। जी, तो आपने, हमने वेस्ट एक्टिवेट कर लिया, किस काम के लिए कर लिया, धन और सॉरी मकान और कार के लिए, राइट? राइट, और मनी के लिए हमने एक्टिवेट कर लिया नॉर्थ। तो आज चार दिशाओं के ऊपर नॉर्थ की बात करेंगे। ज्योति जी 2 मिनट रुको, अभी बात करूंगा, चिंता ही मत करो, मैं आप चिंता ही मत करो, मैं किसी बिना बात करे जाता नहीं यहाँ से, बहुत खराब है, और एक ही काम मुझे आता है बस, बातें करना। जी सर, नेक्स्ट डायरेक्शन है ईस्ट। अगर आप चाहते हैं आप जबरदस्त तरीके से लोग आपके फेवर में आ जाए, और नेताओं का ये काम है, लीडर्स का काम है, अगर उसको बंदा फेवर में नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? तो एक उपाय तो ये, ईस्ट को एक्टिवेट कर लें राइजिंग सन की टिक लगाकर, ये पुराना उपाय है। नया उपाय यह है कि सूरज के साथ 7 घोड़ों की पिक लगा दीजिए, बिकॉज एवरी हॉर्स इज हमारे माइंड में सेट है, सबकॉन्शियस में सेट है, हॉर्स डेजिग्नेट्स पावर, पावर एनर्जी। तो अगर आपको सोशल कनेक्शंस की एनर्जी चाहिए, लोगों का सामाजिक दायरा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हर बंदा पैसे कमाना चाहता है। भारत सर नमस्कार, भारत कुमार मुदेलियर, अनम्यूट किया है सर आपने? सर मैंने किया अनम्यूट, वो अनम्यूट हो भी गए। भारत जी आवाज आ रही है? भारत जी जय गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे सर। जी सर आ रही है। भारत सर पूछना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है? हाँ कमाना चाहता सर। पैसे हैं कहाँ? जैसा कि आपने कहा नॉर्थ डायरेक्शन में पैसा है। चलो नॉर्थ तो हमने एक्टिवेट कर दिया, लेकिन फिर क्या होगा? आए नहीं पैसे, फिर क्या होगा? पैसे हैं कहाँ?
वो अब आप बताएंगे सर कैसे आएगा पैसा। आपके क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप ही बताएंगे अल्लाह सर के लिए प्लीज। थैंक यू, वाह, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। पैसे जनता के पास है सर। अच्छा। तो तभी जनार्दन कहाँ जाता है, क्योंकि वो हमारी माँ है, फीड करती है वो हमें ना। करेक्ट। तो जनता के पास है, जिसके पास जनता कम उसके पास पैसे भी कम। अच्छा सर, तो जनता बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ईस्ट को एक्टिवेट करने का। हाँ, ईस्ट को आप बोले कि हॉर्सेस विद राइजिंग सन। With rising sun, great. हाँ, वो हॉर्स का सब मुख किस तरह डायरेक्शन में रहा तो चलेगा ना सर। अंदर वाली साइड में आना चाहिए घर। अंदर वाली साइड में ने टॉर्स वेस्ट साइड। हाँ, टॉर्स वेस्ट साइड, राइट। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपके सेल बहुत इंफेक्टिव। थैंक यू सर। अब हॉर्स की बात की तो हॉर्स कितने होने चाहिए ये भी बता दो सर। अरे सूरज के हमेशा सात ही घोड़े होते हैं, तो सात ही साथ लगाने। साथ लगाने हैं बिल्कुल, एक आधा घोड़े से काम नहीं चलता हमारे। पूरी सात घोड़ों की ताकत के साथ। सात घोड़ों की ताकत के साथ। ठीक है जी, यहां तक का हो गया, ग्रेट। अगला, दक्षिण दिशा। चार दिशा का वायदा है मेरा आज ना, चार दिशा का वायदा है। दक्षिण दिशा देती है हमें रिकमेंडेशंस इन योर बिजनेस। रेड सिवानी सन चैरियट, बिल्कुल सही कहा आपने एकदम। दक्षिण दिशा इज ऑफ रिकमेंडेशन। आपने व्यापार कर लिया लेकिन अगर आपकी रिकमेंडेशन नहीं आ रही, लोग ये नहीं करेंगे सुमित सर से जाके पढ़ो वो अच्छा ही पढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंकों के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, वहां पर आपका सारा सॉल्यूशन हो जाता है, वो सस्ते में ज्यादा माल दे देते हैं। अगर ये रिकमेंडेशन नहीं आ रही, योर क्वालिटी इज वेरी गुड, राहुल सर का नेचर बहुत अच्छा है, वो आधी रात को भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अगर रिकमेंडेशन नहीं आ रही तो व्यापार कभी भी फलेगा फूलेगा नहीं, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी से बड़ी कोई पब्लिसिटी नहीं है। और माउथ पब्लिसिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे हरिद्वार के में बना हुआ रामदेव जी का दंत कांति एड। उन्होंने बहुत बाद में किया था, लेकिन वो दंत कांति पेस्ट मेरे को लगता नहीं कि किसी ने वो मिट्टी वाला पेस्ट आज की तारीख में किसी के घर में छुटा हुआ। लोगों ने बताया कि हाँ, आप इसे करने से दांत के दर्द की दूरी हो जाती है। बहुत दिनों बाद उन्होंने ऐड शुरू किया, बट वो उनका जो क्या कहते हैं वो प्रोडक्ट बहुत पहले चल गया था। इस तरह से रिकमेंडेशन कहाँ से आती है, वो आती है साउथ डायरेक्शन से। अगर आपको प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन चाहिए तो अपने प्रोडक्ट को साउथ में रख दीजिए, नहीं तो एक तिकोना झंडा लगाकर आप साउथ को एक्टिवेट कर सकते हैं। क्या? तिकोना झंडा, रेड कलर का तिकोना झंडा साउथ में लगाने से साउथ एक्टिवेट करेगा। सर ये झंडा इंटीरियर में लगेगा एक्सटीरियर? अंदर अंदर अंदर, सब इंटीरियर की बात हो रही है। और झंडे पे हनुमान जी वगैरह कुछ होने चाहिए? कुछ नहीं, खाली खाली प्लेन रेड कलर का तिकोना झंडा। तिकोना झंडा अपनी बालकनी में लगा दिए। नहीं समझ में आ रहा तो एक पेंटिंग बनाइए ऐसे करके, एक फ्रेम बनाइए, एक कागज लीजिए व्हाइट, उस पर रेड कलर का तिकोना झंडा लगाइए, नीचे उसके एक डंडा लगाइए, बन गया झंडे के ऊपर नीचे डंडा और लगा दीजिए। क्योंकि झंडे का मतलब होती है हिंदी में पताका, तो जिसकी पताका फैल जाए ऊपर तक चढ़ जाए वो उसकी क्या हो जाती है? जय जयकार, जय जयकार। चार दिशाओं में क्या लगाना ये तो पता लग गया, चार दिशाओं के कलर्स भी लिख लीजिए साथ साथ। तो नॉर्थ का कलर है ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन। वेस्ट का कलर है व्हाइट एंड ग्रे। साउथ का कलर है रेड एंड पिंक। और ईस्ट का कलर है ग्रीन एंड ऑरेंज। तो हमने जो पुट्टी करी हुई वॉल्स थी उनकी नॉर्थ की वॉल को लाइट ग्रीन या ब्लू कलर्स लगा दिया, हमें फायदा हो गया। ईस्ट की वॉल को हमने डार्क ग्रीन या ऑरेंज कर दिया। एक एक वॉल को करके बाकी की वॉल हम व्हाइट कर सकते हैं या ऑफ व्हाइट कर सकते हैं। रेड की वॉल को हमने एक वॉल को मैरून कलर का लगा दिया और साथ में हमने क्या कर दिया, पिंक कलर से सजा दी बाकी की वॉल्स को ऑफ व्हाइट। एक क्वेश्चन ये है सर कि समझो एक घर है, दो तरीके के घर है, मतलब एक घर तो एक कमरे से ही बनता है। हाँ। बहुत से ऐसे बॉम्बे में दिल्ली के अंदर ऐसे घर है जो एक कमरे में ही 1 BHK में है, राइट। तो उस कंडीशन में वो नॉर्थ ईस्ट वॉल को कैसे मतलब कलर करेंगे, चार दिशा तो अलग अलग कलर होंगे।
तो व्हाइट कलर ऑफ व्हाइट का कमरा कर लेंगे, मान लीजिए मेरा कमरा है, यही मेरा घर है ना, स्टूडियो अपार्टमेंट है, इसी में मेरी किचन है, इसके बाजू में मेरा एक छोटा सा टॉयलेट भी बना हुआ है, ठीक जी जी, तो हम इसे ऑफ व्हाइट कर लेंगे, बिकॉज ऑफ व्हाइट की संज्ञा जो है वो न्यूट्रल है, और उसके बाद हम वहाँ पे वो तस्वीर लगा लेंगे, नॉर्थ में झरने की लगा लेंगे, साउथ में वो झंडे की लगा लेंगे, तो भी एक्टिवेट हो जाएगी, एक घर में हो जाती है वास्तु, ठीक है ना। एक सूरज या पिक लगा लेंगे ईस्ट में, और वेस्ट में हम क्या रख लेंगे, क्या था वो ड्रीम सर, वेस्ट में अपना ड्रीम हाउस रख लेंगे, ताकि अगली बार वो हमें इससे बड़े घर में करने बोला बंगला आ जाए उसका भाई का, उनने सर के उपाय से ही हुआ, सर को ही बुलाना है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। इस तरह से हम अपने, हाँ वेस्ट का कलर जो है वो ग्रे एंड व्हाइट, ग्रे व्हाइट ऑफ व्हाइट, ठीक है जी। तो घर भी हो गया, उसके ऊपर पुट्टी भी हो गई, उसके ऊपर कलर्स भी हो गए, और उसके ऊपर पेंटिंग भी लगा ली हमने अपने हिसाब से, शेप्स 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 कहाँ यूज हो रही हैं आजकल, इंटीरियर में यूज हो रही हैं, पीओपी में यूज हो रही हैं, तो लहरदार शेप हमने नॉर्थ में यूज करनी है, लहरदार। सर हम पेंट के साथ वो शेप यूज कर सकते हैं? यस, पेंट के साथ शेप यूज कर सकते हैं, मान लीजिए वॉलपेपर लगाना है, सपोज यू आर प्लानिंग अ वॉलपेपर, भाभी जी ने कहा नहीं मुझे तो कलर चाहिए नहीं, मुझे वॉलपेपर चाहिए, बिल्कुल सर, वॉलपेपर आपने ब्लू कलर के साथ उसमें कोई लहरदार डिजाइन कर दिया तो वो नॉर्थ में लग जाएगा। सर क्वेश्चन ये, मतलब लहर ऊपर से नीचे चले या राइट से लेफ्ट चले, उससे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी चलाओ लहर चलनी चाहिए, लहर आनी चाहिए, लहर की लहर चल पड़ी है। तो आचार्य जी हमें कल फिर मिलेंगे टेनेंट और ओनर के ऊपर, अब वास्तु इम्पैक्ट करता है क्या, आपका मकान आप किराए पे रहते हैं तो क्या इम्पैक्ट करता है, अगर आपने किसी को किराए पे दे रखा तो क्या इम्पैक्ट करता। आचार्य जी मैंने तो बोल दिया संभाल लिया, बस तुम मुझसे पूछे बिना गाया जा करो, आचार्य जी का बैंड बजाया जा करो। अब मैं रात भर बैठे सोचाऊंगा ओनर के ऊपर क्या होगा और किराएदार के ऊपर क्या होगा, है नहीं? फिर इंपैक्ट तो पड़ता है। ये क्वेश्चन क्या क्लास में भी था कि सर मेरी प्रॉपर्टी मैंने उसको रेंट दे रखी है तो क्या वो मेरे पे इम्पैक्ट कर रही ना कर रही, अब इसका जवाब कल देना सर। कल दे देंगे सर, कोई बात नहीं, आप कहते जाओ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिल बहुत खुला, ब्रेक फ्री मामला, बिल्कुल सर। कल सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप सबका फिर से स्वागत मिलेगा। टेनेंट और ओनर क्या इम्पैक्ट करता है हमारे और में वास्तु पे? जी सर। सोनाली नायडू जी अपना हाथ नीचे कर लो, पेन थक जाएगा ऊपर, ये नॉर्थ में लगा दीजिएगा, वो झंडा जो है साउथ में लगा लीजिएगा, आऊंगा मैं, चिंता मत करो, मेरी एक स्टेट है, एक फ्लो है, जब उसके अंदर से कुछ निकलने लगता है ना, कॉस्मिक लाइब्रेरी से जुड़ जाता है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ कुछ लिखा पढ़ा तो होता ही नहीं, सारा का सारा जो कोर्स कंटेंट भी कुछ नहीं है, ये हम अभी राहुल से थोड़ी देर बाद कहेंगे कि अगर आपको सुमित सर का ये वेबिनार पसंद आया तो आप उनका कोर्स भी ज्वाइन कर लो, और वो भी ऐसा ही है, उसका भी कोई कंटेंट नहीं है, जो होगा वो चलता ही रहेगा कुछ ना। सर ये बात बोली तो मैं बोल ही देता हूँ। अरे 10th अप्रैल से, राइट, सो दिस इज कमिंग फ्रॉम द 10th अप्रैल, 8 डे का एक्सक्लूसिव वर्कशॉप क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं आचार्य सुमित वास्तु के ऊपर। साथ ही पिछली बार संदीप सर और सुमित सर ने आप लोगों को बहुत ही सुंदर तोहफा दिया था, एस्ट्रोलॉजी द बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी वर्थ ₹25,000 का कंप्लीट कोर्स आपको फ्री दिया जा रहा है इस क्लासेस के साथ, पहली बार और आखिरी बार। हाँ अगली बार भी यही करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो अपना नॉर्थ एक्टिवेट करना पड़ेगा। बिल्कुल जरूर। तो साथ ही एक चीज और बताता हूँ, आप लोगों को एवरीडे मिनिमम 5 रेमेडीज तो वास्तु में मिलनी मिली, ये क्लासेस 8 दिन की रहेंगी, 9:30 बजे का बैच है, 9:30 का, जस्ट एनर्जी एक्सचेंज ऑफ 7080 7080 रुपए में। मेरा मानना सिर्फ इतना सा है, जैसे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था क्या इंटीरियर के लिए आप पूछते हो अपने किसी वास्तुकर्ता से सलाह लेते हो, नहीं, 80-90% आप लोग जब सलाह नहीं लेते हो तो यू हैव टू नो अबाउट योर सेल्फ, आपको अपना बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए कि ये चीज मुझे नुकसान दे रही है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जी सर चलो जी कुछ कहना चाहते, सर मैं कहाँ था ये तो बताओ, भूल जाता हूँ। हम चार दिशाएं पूरी की, सर लहर चल रही थी हमारी नॉर्थ से, लहर चल रही थी तो वो पहले वो शेप्स भी पूरी कर लेते हैं ना,
उसके बाद ये करेंगे, अगला आपको अच्छा लगेगा तो एक और ज्वाइन कर लेना, 25,000 रुपए का साथ में एक गिफ्ट भी साथ में मिल रहा है, और उसमें भी क्या मिलेगा वो भी मैं अभी बता ही दूंगा, पर पहले इसको इसको कंप्लीट कर लेते चैप्टर। जी सर। तो शेप्स जो है हमारी लहरदार हैं कहां पर? नॉर्थ। हाँ, नॉर्थ में, ठीक है। और ईस्ट में जो है, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में शेप जो है वो राउंड एंड स्क्वायर। फेंग शुई इसको ईस्ट में स्क्वायर कहती है और वैदिक वास्तु से राउंड कहता, क्योंकि फेंग शुई ने में ईस्ट का जो एलिमेंट है वो वुड है, और वुड से अक्सर वो स्क्वायर फर्नीचर बनाते हैं, इसलिए उन्होंने उसको उसकी शेप स्क्वायर रखी। वैदिक वास्तु में फर्नीचर की कोई संज्ञा बहुत कम थी, हम सूर्य से लेते थे, सूर्य हमेशा कैसा उगता है? गोलाकार, ठीक। तो दोनों तरफ से कंसेप्ट क्लियर होने ही चाहिए आपको। कोई कहे जी ईस्ट वाला फंस गया, जी ईस्ट है, उन्हें हाँ जी बिल्कुल ठीक है, राउंड वाला फंस गया तो वो भी ठीक है। अब अगर आप किसी को कहना चाहोगे ये स्क्वायर नहीं होता, तो आप कह दीजिएगा स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है राउंड क्यों। ग्रेट। नेक्स्ट डायरेक्शन इज साउथ। साउथ का जो जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, तो आजकल ट्रायंगुलर शेप के बहुत सारे वॉलपेपर्स आते हैं, तो अगर आपको साउथ बहुत अच्छे से एक्टिवेट करना है तो ट्रायंगुलर वॉलपेपर इन पिंक और रेड कलर या मेहरून कलर आप लगाएं, आपका साउथ एक्टिवेट हो जाएगा। कितना आसान हो गया इंटीरियर करना ना। जी सर। वेस्ट, वेस्ट की शेप राम, अगेन गोलाकार, क्योंकि आकाश तत्व गोलाकार। अगली शेप जो है रेक्टेंगल है, वो बताऊंगा कोर्स में, है ना, वो कहाँ यूज होगी या इनके क्या क्या और एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ये सब 10 तारीख से शुरू कर देंगे, 7080, 8 दिन पूरा कंप्लीट वास्तुशास्त्र, और उसके बाद आप मेरी तरह वास्तुशास्त्री कहलाना ही लगेंगे, है ना। बिल्कुल सर। रोजी मैम, आपको लोग मान रहे हैं ना वास्तुशास्त्री? पहले मुझे ये बताइए, देखो भल्ला साहब को तो सब मान गए, उनका पूरा का अधिकार है, तो मान रहे हैं नहीं मान रहे बताइए, हो रही है ना जय जयकार। इस तरह से हमारा इंटीरियर के क्या क्या पार्ट हुए, हमारा इनर वॉल, कलर, शेप, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। अब स्कल्पचर क्या होता है कि जो हम हमें कोई गिफ्ट दे देता है ना, कोई चीज दे देता है गिफ्ट, जैसे कि मुझे किसी ने ये ग्लोब गिफ्ट करा, बहुत सुंदर है, तो ये गिफ्ट है हमारे लिए, तो गिफ्ट ग्लोब कहाँ लगाएंगे। इस तरह से चार स्कल्पचर भी लिख लीजिए कि उन दिशाओं में अगर हम चार मूर्तियां लगा देते हैं या चार किसी तरह की गिफ्ट लगा देते हैं तो भी क्या हो सकता है। तो नॉर्थ में वही पानी का झरना एक ले लीजिए छोटा सा, और क्या ले सकते हैं हम नॉर्थ को एक्टिवेट करने के लिए, फिश एक्वेरियम, गोल फिश एक्वेरियम अगर उत्तर दिशा में लगाएंगे तो हमारा काम चलेगा, बहुत बढ़िया। ईस्ट के लिए स्कल्पचर है हरे रंग के पौधे, ग्रीन प्लांट्स इन ईस्ट, या अब तीन हो गए स्कल्पचर, है ना, लैंप ऑफ ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर। इसको और आगे बढ़ा दें थोड़ा सा। जी सर। तो एक वुडन स्क्वायर, वुडन स्क्वायर फ्लावर वास लीजिए, लकड़ी का चकोर फ्लावर वास लीजिए और उसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर लगा दीजिए, बन गई आपकी ग्रेमेडी। सर मैं इतनी सारी रेमेडीज दे देता हूँ फिर भी कहते हो 5 मिनट रेमेडी देंगे क्लास में, ये तो बड़ी गलत बात है। सर क्लास तो भी अलग है सर, क्लास वाली तो क्लास है सर, वो बोनस है सर, ये तो आशीर्वाद है, वो बोनस है सर। अच्छा ये आशीर्वाद है, वो बोनस है, वाह बिल्कुल सर। गुरु जी आ गए आशीर्वाद देने के लिए, पूछ लेते गुरु जी से आशीर्वाद और बोनस से फर्क क्या होता है। हाँ गुरु जी नमस्कार, आ गए क्या? जय जय गुरु जी। सर गुरु जी आशीर्वाद बताओ, आशीर्वाद और बोनस से फर्क बताओ सर। जय गुरु जी, गुरु जी टू ऑल, जय गुरु जी जी।
आशीर्वाद और बोनस में फर्क बताओ सर। आशीर्वाद और बोनस में फर्क, आशीर्वाद तो भाई सबके लिए है, बोनस जो ज्वाइन करेगा उसको मिलेगा। आशीर्वाद तो जो बच्चे देख रहे हैं कल भी आएंगे परसों भी आएंगे, आशीर्वाद हर एक के लिए है। लूट लो, जो आएगा उसको बोनस मिल जाएगा। आशीर्वाद यह है कि जो जो आपने सिखाया है और हम सीख गए वो आशीर्वाद है जी। और बोनस ये है कि क्या कहते हैं वास्तु के कोर्स के साथ 25,000 की न्यूमरोलॉजी फ्री है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। चाहे सीखा चाहे नहीं सीखा, वेबिनार से भी सीखा तब भी आशीर्वाद है। जरूरी नहीं है कि सीखने से आशीर्वाद आएगा। हम तो कृपा यही कर रहे हैं कि भाई साहब वेबिनार में आओ, कर और पा। तो आते ही कृपा हुई, आशीर्वाद बन गया। लेकिन अगर बोनस चाहिए तो भाई जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने से रौनक सी आ गई है। प्लेटफॉर्म है अपना, ही घर है, तो पूछना क्या आने के लिए। क्लास खत्म की, छोटे मोटे तो काम निपटाए और आपके साथ हाजिर। सर ये बढ़िया बात है, अपना ही प्लेटफॉर्म है, अपनी गाड़ी है, जब मर्जी चढ़ जा, जब मर्जी उतर जा। वो कौन सी पिक्चर में था सर, जगह भी मेरी और सर को सर ही बताएगा और कत्ल भी हम करेंगे, ऐसा ऐसा था ना कुछ। राजकुमार साहब थे, जगह भी हमारी होगी, बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी होगी। गोली और गोली भी हमारी होगी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप, सो शेप इज दैट स्क्वायर एट ईस्ट। हां स्क्वायर एक एक कोस्ट, एक स्क्वायर और राउंड वेस्ट में, तो हमारी चार दिशाओं की चार शेप्स भी होगी। इंटीरियर ऐसे डेवलप होता रहता है, आप अपने लिए इंटीरियर के पार्ट को कैसे भी मैनिपुलेट करते हैं। एक रेमेडी मैंने आपको बना के दिखाई कि एलिमेंट इज वुड, शेप इज स्क्वायर, रेड कलर के ऑरेंज फ्लावर्स लगाइए, आपका इससे एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब आपको इसके फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। कितना आसान है, ऐसी आप सैकड़ों रेमेडीज अपने आप बना सकते हैं। सूत्र मैंने आपको दे दिए, चार दिशाओं की 40 रेमेडी भी आप बना सकते हैं, कोई बात ही नहीं। और जब दिन आप बनाने लगेंगे उस दिन आप क्या कहलाएंगे, ग्रैंड मास्टर और वास्तुशास्त्र, है ना। ग्रैंड मास्टर के रेमेडीज बनती हैं, वो चुनी हुई रेमेडीज नहीं लेकर आता। इसीलिए अपना हर कोर्स यूनिक हो जाता है, क्योंकि नई रेमेडी बनी, नया इम्प्लीमेंटेशन करा, उसका अच्छा रिजल्ट आया, आपको कहना रटा रटाया मत समझो। जैसे सुमित भाई ने उस पर एक्सपेरिमेंट करे हैं, तो आप लोग भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो इतना फैटल हो जाएगा कि वो मार दे, ना। बट आप बड़े ध्यान से समझो, पहले उसको अपने पे इम्प्लीमेंट करो, अपने साथ उसको जुड़ाव करके देखो, और जब आप उसको करोगे बिलीव में रिजल्ट आएगा। सुमित रावल जी इज द लाइव एग्जांपल फॉर दैट। मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा, कहीं ना कहीं पे इम्प्लीमेंट किया, बट इन्होंने भी किया। इनका विश्वास ज़्यादा निकल पड़ा वास्तु में, मैं न्यूमरोलॉजी की तरफ आकर्षित हो गया, वो सारी। और इम्प्लीमेंटेशन आपको बताता हूँ कि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं बिजनेसमैन था, मेरा बिजनेसमैन बिजनेस डूबा, मैं वास्तुशास्त्री धीरे धीरे बना 20 साल 22 साल उसके साथ में। उसके बाद मैंने सर की न्यूमरोलॉजी कर ली 2017 में न्यूमरोलॉजी करी, और शायद 16 में करी थी हमने, 16-17 में सर की न्यूमरोलॉजी करी। मुझे पता लगा कि आई एम नॉट फिट फॉर दैट बिजनेस, मैंने सेम डे वो बिजनेस बंद कर दिया, चलता चलाया बिजनेस बंद कर दिया। जो वो बड़ा जिगरा चाहिए, कार तो बाद में आई, चलता हुआ बिजनेस बंद कर दिया 16 घंटे का, कि हाँ सर ने कहा है तो बस, इसका मतलब आई एम नॉट फिट फॉर दिस बिजनेस। विश्वास, यही सारी बात थी विश्वास की। और अब वास्तु में 24 घंटे कम पड़ते हैं हमें, बिल्कुल, हम 24 घंटे चाहें तो 24 घंटे वर्क कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आप भी ऐसे ही करें, ये सारे सूत्र अपना लें अपनी जिंदगी के अंदर और कर लें, क्योंकि अगर आप तरक्की करेंगे आपका समाज तरक्की करेगा, आपका समाज तरक्की करेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। और हमें जो है पिटना नहीं है यूक्रेन की तरह, हमारे दादाजी ने नहीं सिखाया पिट के आओ, पिट के आना है हर हाल में, है ना। तो अगर हम पावर होगी हमारे अंदर तो हम कहां तक नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, यहीं से शुरू होगा। जय जयकार। ठीक है सर, तो अपने आप बात कर लेते हैं कि हम लोग वास्तु में पढ़ेंगे क्या, क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा था कि हम वास्तु में सीखेंगे क्या आगे जाके, जो हमारा आगे का कोर्स आ रहा है। तो राहुल भाई इजाजत हो तो उससे शेयर। जी जी सर, जी सर, जी सर, प्लीज। हम वास्तु कोर्स कंटेंट क्या शेयर कर रहे हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, आई नो दैट जितना बताने वाले उससे ज्यादा ही मिलना ही तो इनको मालूम है, पर एक स्ट्रक्चर आउट बता देते हैं क्या है, बेसिक टू एडवांस का स्ट्रक्चर आउट क्या रहेगा।
आपको मैं बताता हूँ, इस कोर्स के साथ आपको संदीप सर और सुमित सर ने एस्ट्रोलॉजी का 25,000 रुपीज का गिफ्ट कोर्स फ्री किया है इस कोर्स के साथ। आज आचार्य जी आपको बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के अंदर आप क्या क्या सीखते हैं। जी आचार्य जी। यस, ये हमारी वास्तु की आउटलुक एडवांस कोर्स वेयर। फर्स्ट डे में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र एक्चुअली क्या होता है, हमारे यहाँ सारी चीजों को बताने के लिए एक कहानी की इस्तेमाल किया गया, मतलब एक कथानक के रूप में हमारा को संभाला गया। तो वास्तु पुरुष की स्टोरी क्या है, वो मिथिहास क्या है इसके पीछे, और हम उसको कैसे रिलेट कर पाएंगे वास्तुशास्त्र, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले दिन वास्तु का जो बेस है वो फाइव एलिमेंट्स हैं। फाइव एलिमेंट्स पंच महाभूत क्या होते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो वास्तु का इम्प्लीमेंटेशन है वो कहाँ होगा, वो होगा प्लॉट के ऊपर। प्लॉट कैसे सिलेक्ट करेंगे और उसके सॉइल को टेस्ट कैसे करेंगे, ये हम फर्स्ट डे में ही कवर कर लेंगे। तो आधे वास्तुशास्त्र तो पहले दिन ही बन जाएंगे, मनी फर्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमें दिशाओं का ज्ञान आएगा, तो हम सबसे पहले ब्रह्मस्थान फाइंड करना। ब्रह्मस्थान को कहते हैं सेंटर ऑफ द हाउस, वो कैसे फाइंड करेंगे। नॉर्मल स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लॉट्स में वो आसान होता है, टेढ़े मेढ़े प्लॉट्स में भी कर लेंगे कैसे फाइंड करेंगे। हमारी दिशाएं कौन सी, उसे दिशा शुद्धि कहते हैं संस्कृत में, वास्तु में। और शक्ति चक्र जो आप आकृति देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम डिग्री से भी जानेंगे कि हम डायरेक्शंस को कैसे फाइंड करें। उसके बाद हर दिशा का अपना करेक्टर है, एट्रीब्यूट है। तो चार दिशाओं पे जैसे मैंने आज बात करी, वैसे हम चार दिशाओं के बारे में जानेंगे। और हम उसके बाद उसकी भी सब डायरेक्शन, यानी चार मुख्य दिशाएं हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और चार उपमुख्य दिशाएं जो उनसे भी ज्यादा काम करते हैं जिसे विदिशा कहते हैं, वो है ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तीसरे दिन हम 10 दिशाओं के बारे में जानेंगे, यानी हमें 8 सेंटर और आकाश मिलाकर 10 हो गई। इसके बाद उनको भी हम और बाइफर्केट कर लेंगे, साउथ और ईस्ट के बीच में जैसे है ESE, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में SSE है, तो उनके बारे में भी हम बता देंगे। और कौन से कलर्स उनको स्ट्रेंथन करते हैं, जैसे आज आपने कुछ इंटीरियर का पार्ट जाना, तो वो आगे भी पूरा जानेंगे कहाँ पर क्या हो। चौथे दिन ये जानेंगे सेप्टिक टैंक कहाँ हो, लिविंग रूम क्या हो, किचन कहाँ हो, स्टडी रूम कहाँ हो, बेडरूम कहाँ हो, कहाँ ठीक है कहाँ गलत है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिल में रोज ही घूमते होंगे जो वास्तु को थोड़ा बहुत जानते हैं। वास्तु दोष क्या होते हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और उनकी कुछ बेसिक रेमेडीज के ऊपर बात करेंगे हम। 5 रेमेडी रोज देनी है, इसमें शक्ति कोई बात नहीं, वो तो कोई बात ही नहीं। हमारी एंट्रेंस हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट डालती है, वास्तुशास्त्र में 32 तरह के द्वार होते हैं, 32 द्वार में से कितने कामयाब हैं कितने खराब हैं, कामयाब द्वार होने पर क्या होता है, खराब द्वार को हम कामयाब में कैसे कन्वर्ट करें, इसके ऊपर बात करेंगे। कट्स एंड एक्सटेंशन, अगर हमारा प्लॉट कट गया है या बढ़ गया है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। छठे दिन में बहुत एक्साइटिंग होने वाला है ये सब्जेक्ट। सातवें दिन, क्योंकि वास्तु की अब संज्ञाएं चेंज हो रही हैं, वास्तु अब एनर्जी से भी चलता है, तो ऑरा स्कैनर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ये सबसे बड़ा टूल है वास्तुशास्त्र में, शक्ति चक्र और ऑरा स्कैनर। ऑरा स्कैनर नेगेटिव एनर्जीज का आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट है, उसके ऊपर बात कर लेंगे। और चार लोगों की एनर्जीज हम नाप देंगे, ये भी बात सही है। जो 4 लकी पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो आप में से कोई भी हो सकता है, वो सिलेक्ट करेंगे, उसको हम यहाँ पे नाप लेंगे। 4 केस स्टडीज ले लेंगे आप में से ही, जिन लोगों के पास मैप रेडी हैं, जिनको ये बात समझ में आ गई, इस तरह से वो दिशा निकाल लेंगे। और फिर जब यहाँ शेयर करेंगे तो हम 4 केस स्टडीज के ऊपर भी वर्कआउट करेंगे। इसके अलावा जब हम लोग कोर्स में इकट्ठे होंगे हम सारे लोग मिलके, तो आपस में एक दूसरे के मैप्स भी शेयर करके, आपस में एक दूसरे की, मान लीजिए हमारे कोर्स में 100 लोग आए या 150 आए 200 आए, वो आपस में अपने मैप शेयर करके भी आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके कुछ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं कम्युनिटी, और कम्युनिटी में व्यक्ति ज्यादा तेजी से सीखता है वनस्पत। इसके उस कोर्स के अंदर उस ग्रुप में मैं भी रहूंगा, हो सकता है आपके कुछ जेन्युइन प्रश्न हो जो हम यहाँ पे भी पूरे ले लेंगे, और अगर आपके दिल में फिर भी कोई आता है तो वहां पर भी मैं आंसर दूंगा स्वयं। इसके अलावा क्या करेंगे हम, उस Q&A को या उस अंदर मैं एक हफ्ते तक स्वयं रहूंगा, जो भी आपके दिल में प्रश्न हो वो वहां पर पूछ लीजिएगा। और रिकॉर्डिंग्स तो राहुल सर प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डिंग्स और सर्टिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली राइट। ये तो था जिस काम के लिए आप आए हैं,
बोनस के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं ना कि बोनस में क्या है। बोनस में 25,000 का एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, 25,000 में मिलेगा क्या? हम 25,000 एस्ट्रोलॉजी कर तो रहे हैं, यहाँ जी गिफ्ट दे दिया सबको, बट हम उसमें क्या फाइंड कर पाएंगे, एक बार उसके ऊपर उसको भी देख लेते हैं। ये दो कोर्स आपको साइमल्टेनियसली चलने वाले हैं, 1 घंटा हम एस्ट्रोलॉजी, 45 मिनट की एस्ट्रोलॉजी की क्लास होगी, और उसके बाद बाकी का जो भी टाइम होगा, आपको पता ही है कि 9:30 बजे अपनी क्लास स्टार्ट हो जाती है, उसका खत्म होने का समय तो ईश्वर को ही पता होता है कि क्या है वो। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने 9 बजे स्टार्ट करा, तो 9 से लेकर 11 बजे तक हम एस्ट्रोलॉजी करेंगे, उसके बाद ब्रेक ले लेंगे 4 से 5 मिनट का, उसके बाद वास्तु के ऊपर आ जाएंगे, और फिर जब तक जैसे प्रभु की इच्छा होगी चलते रहेंगे, या हम 9 से 10 एस्ट्रोलॉजी करने के बाद 10:15 से लेकर 11:30 तक वास्तु कर लेंगे। तो पहले दिन होगा इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वेदांग में ज्योतिष का महत्व क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ ज्योतिष एज वेदांग, वेदांग क्या होता है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। 6 तरह के वेदों के अंग हैं और उसमें 6ठा अंग ज्योतिष है, तो वो कैसा कितना इम्पैक्टफुल है, वेदों में वो कहाँ यूज होता था, इसके ऊपर जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। 9 ग्रह क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनके करेक्टर्स क्या है, उनके गुण क्या है, उनके तत्व क्या है, उनके एलिमेंट्स क्या है, ग्रहों के देवता क्या है, और 9 ग्रह हमारे जीवन में क्या क्या इंपैक्ट डालते हैं, ये दूसरे दिन हम पता कर लेंगे। सोलर कैबिनेट यानी जो सन, ये जो हमारा सारा का सारा जो हम दिखते हैं वो सब प्लैनेट्स हैं जो सूर्य के आसपास चक्कर काटते हैं, इनका हमारी डेली जिंदगी में क्या लाभ है, बेनिफिट प्लैनेट्स कौन से हैं और मेलिफिक प्लैनेट्स कौन से हैं हमारे लिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। राशि परिचय, क्योंकि ज्योतिष जो है वो ग्रह भाव और राशियों से मिलता है, तो डिवीजन ऑफ स्काई यानी कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड का जो आकाश तत्व है उसको हमने डिवीजन कितनी राशियों में कर रखा है, राशियां कैसे बनी, राशियों का जो हमें दिखती हैं उसके सूत्र क्या है, उसके उनकी आकृति क्या है, राशियों के करेक्टर्स क्या है, आपकी बर्थ राशि क्या है और राशि के अनुसार आपका नेचर क्या है, इसके ऊपर छोटी छोटी चर्चा करेंगे। चौथे दिन राशि परिचय को आगे बढ़ाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ राशि, टाइप ऑफ राशि, डायरेक्शन ऑफ राशि, राशि और बॉडी पार्ट्स कहाँ कहाँ इंपैक्ट करती है, आपकी राशि कौन सी, उच्च की राशि कौन सी है, नीच की राशि कौन सी है, मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, ये सबकी चर्चा अपन कर लेंगे छठे दिन, पांचवें दिन। छठे दिन हम कोशिश करेंगे कि आपको लग्न सिखा दें कि आपका लग्न कौन सा है, क्योंकि लग्न राशि भाव और ग्रह मिलकर ज्योतिष का एक एरीना बनाते हैं। तो लग्न क्या होता है, आपका लग्न कैसे है, अगर पॉसिबल रहा तो लग्न निकालना आपको फिजिकली सिखा दूंगा, नहीं तो लग्न सारा का सारा निकल आता है आज की तारीख में एस्ट्रोसेज या कोई भी हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर कितने तरह के लग्न होते हैं, और लग्न में उस पर्टिकुलर लग्न में पैदा हुआ व्यक्ति कैसा होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद उनके अंदर ग्रह कैसे बिठाने हैं, कौन से लग्न में कौन सा ग्रह कहाँ है, ये फिजिकल भी बात कर लेंगे और साथ में साथ किसी सॉफ्टवेयर की भी सहायता से बात करेंगे। भाव, हमारे जो 12 भाव हैं वो कैसे होते हैं, भाव के कारक तत्व कौन से हैं, केंद्र किसे कहते हैं, त्रिकोण किसे कहते हैं, उपचय भाव किसे कहते हैं, त्रिक भाव किसे कहते हैं, कारक भाव कौन सा है, भावत भावाम कैसा है, दशा सिस्टम क्या है, ये 7वें दिन अपन इसको जान लेंगे। और 8वें दिन हम 4 पार्टिसिपेंट्स की कुंडलियों को खुद देखकर उनसे प्रश्न उत्तर करेंगे। ये मेरा आपसे वायदा है, एक के साथ एक कोर्स इस तरह से हमारा 8 दिन चलेगा। आया नहीं आया मजा, इट विल बी एक्साइटिंग जर्नी, मस्त हो जाएगा एकदम। मजा आया नहीं आया तो जनता से पूछ रहे, मजा आया तो बोल दो मजा आया ना, कर देता हूं। क्विज करवा लो, क्विज करवा लो, पोल करा लो, क्विज में तो टाइम लग जाएगा सर, मैनेज करते बातें करते करते करवा लो, क्या दिक्कत है, राइट सर मैं करवा ले, और क्या नहीं, बट वाई चार वाई नॉट 5, क्या 4 पत्रियां देख रहे हो, 5 क्यों नहीं देख रहे, मैं पूछ रहा हूँ, दिशाएं 4 ही है ना मुख्य, इसलिए मुझे इंक्लूड करके 5 कर दो, 5 कर दें, चलो 5 कर दी सर, 5 लोगों की कुंडली, और क्या, चलो एक और बोनस सर, आज आपसे बिना पूछे बोनस दे दूं, जी सर स्वागत है, सर स्वागत है, बिल्कुल सर, आज जो पहले 30 लोग अभी एनरोल करेंगे उनकी कुंडलियां में साथ में गिफ्ट में देखूंगा, और क्या बात है, अब कराओ पोल,
सर बोल नहीं पहले तो फिर पेमेंट डिटेल लगा देता हूँ। पेमेंट कहाँ करोगे सर ये तो बता दो पहले। क्या कह रहे हो? पेमेंट करेंगे कहाँ वो तो बता दो पहले। हाँ, जो आज इसी समय जो फर्स्ट 30 लोग होंगे वो होंगे हमारे सुपर 30 और उनकी कुंडलियां मैं खुद देखूंगा, उनके 3 प्रश्न के उत्तर मैं खुद देने वाला हूँ, चाहे आप प्राइवेटली पूछ लें चाहे आप मंच पर पूछ लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अपना टाइम सेट कर लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि एक कुंडली देखने के सर मैं कुछ पैसे भी लेता हूँ वो है 11,000 रुपए, तो 30,000 के हिसाब से आप देख लो कितने लोगों को मेरी तरफ से गिफ्ट है। क्या बात है, क्या बात, अमेजिंग। और वो आज ही के लिए जो आ जाएंगे उसका डाटा मुझे दे देना राहुल भाई। ये राहुल जी ने पहले लिखा हुआ है, गेट 5 इफेक्टिव वास्तु रेमेडीज डेली। ये 5 तो थी, बाकी 5 नहीं हो पाई थी। बाकी 5 नहीं हो पाई थी, हो गई ना, तो 30 पे आ गई। नहीं सर, मैं कुंडलियां वो शुरू कर दूंगा ना उसके बाद। तो जिसने पहले पैसे भी दे दिए, 4 बच्चों के पैसे आ गए हैं पहले तो सर, वो तो आज के लिए, वो तो आगे खत्म हो गया उनका खेल। बच्चों ने भरोसा किया मेरे भाई, बच्चों ने भरोसा किया। ठीक है सर, कोई बात नहीं, उनको 30 में इंक्लूड कर लीजिए, तो 26 लोग आ गए हैं अवेलेबल, कोई बात नहीं। बिल्कुल, वो बेचारे उंगली भी रोज देखूंगा तो साथ ही पेमेंट डाल दी थी, ये उनका प्यार है यार। ठीक जी जी, तो आज के लिए बोनस है कि आप वास्तु का कोर्स करेंगे 7080 में, 25,000 का साथ में फ्री है, और जो मेरी फीस है 11,000 रुपए पर कुंडली देखने की, वो भी 30 लोगों के लिए, सुपर 30, वो भी गिफ्ट है मेरी साइड। थैंक यू सो मच। कैसा रहा आज का सेशन, इस विषय में बात कर लेंगे थोड़ी सी, और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज वो अपने हैंड रेज करके 1 मिनट के लिए कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है। ठीक है ना सर? बिल्कुल डियर, बिल्कुल बिल्कुल, हटा लीजिए सर, हो गया, कोई बात नहीं, अब जिसको आना होगा वो आएगा ही। तो पहले आप बताइए राहुल सर, किनसे पूछें? अरे जी, तो स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं पेमेंट के, मैं पहले वही तो देखूं, क्वेश्चन आंसर आप ले लो, देखो ये डेटा बनाने में दिक्कत हो जाएगी। रंजना, रंजना मैडम, रंजना मैडम, रंजना के, यस सर, आप प्लीज कमांड ले लीजिए, जो भी हूँ आप जिनको भी अनम्यूट करते हो वो प्लीज मेरे से बात कर लें आराम से। विशाली मैम, जय गुरुजी। जय गुरुजी सर। जी मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। जय मिस्टर राम। जी मैम, बढ़िया एकदम, आप आशीर्वाद बताए। सर मैंने अभी अभी पेमेंट की है। ओके मैम। मैं क्या वेट में काफी टाइम से कर रही थी कोर्स के लिए। Okay, मेरी राहुल सर से बात भी हो गई थी, उन्होंने बोला था जब भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। जी मैम। और सर आप इतना बड़ा मतलब गिफ्ट दे देंगे, ये तो मतलब ये तो आपकी जय जयकारी है। इतना बड़ा दिल है, पूरा अंकों के खेल का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है और इतना बड़ा दिल है सबका। मैडम पर सर बहुत दिलदार आपके सामने बैठा हुआ है, दिलदार आपके सामने बैठा हुआ है, मेन बात ये है इनको पढ़ाना नहीं आता, यही इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी है। बस सर वही बात है। सर ये कोर्स तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए एनरोल कर लिया है, वो काफी टाइम से ही मतलब वेट कर रहे थे आपसे ही कोर्स करने के लिए, और अभी इसलिए उन्होंने अपनी शिफ्ट भी चेंज करवा ली, उनकी डाइट चल रही थी तो वो डे में आ गई है, वो मतलब नेक्स्ट वीक से कर रहे हैं सर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एस्ट्रोलॉजी भी इंक्लूड कर लिया, भले ही गिफ्ट ही सही, अगर आप पैसे भी पढ़ाते तो सर वो भी हमने आपसे एनरोल करना ही करना था सर। थैंक यू सो मच सर उसके लिए ना, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विशाली जी। थैंक यू विशाली मैम। थैंक यू विशाली मैम। सोनाली नाडू मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सर जी मुझे ये पूछना था सर, जैसे आपने वेस्ट साइड में पिक्चर लगाने के लिए बोला गाड़ी का या मकान का, जैसे मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे हस्बैंड को मकान चाहिए, तो दोनों एक साथ लगा सकते हैं? एकदम दोनों लगा दो, एक मकान लगा उसके आगे गाड़ी खड़ी हुई, ऐसे लगा दो। ओके ओके सर, थैंक यू। कॉस्मोस के पास सब कुछ है, मतलब भगवान क्या ना देर है ना अंधेर है, वो तो सब कुछ देने को बैठा है तैयार, इच्छा बल जैसे मिलेगा वो हो जाएगा। जी सर, थैंक यू, थैंक यू सर। यशराज, यशराज जी, जय गुरु जी।
जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। सर मैं पूछना चाहती थी फ्रिज कहाँ रखूं? फ्रिज फ्रिज कहाँ रखे हैं? फ्रिज नॉर्थ वेस्ट में रखा जाता है मैडम। अगर ईस्ट पे रखे तो खराब है, ईस्ट में अच्छा नहीं है, ईस्ट से आपके सोशल कनेक्शन डल जाएंगे, आपके जो पड़ोसी हैं वो आपको जब आप भला करोगे तो बुराई दे देंगे आपको। सर कहाँ रखे? नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट मैं एक मिनट और कुछ मैं जल लेकर आ रहा हूँ। लेके आओ लेके आओ लेके आओ। जी जी जय गुरु जी टू ऑल। कल फिर सेम आईडी सेम पासवर्ड से वेबिनार है आपका, सेम वास्तु पर जो है टेनेंट एंड ऑनर। क्या वास्तु आपने टेनेंट पे भी इम्पैक्ट करता है या उसके जो टेनेंट हमारे उस घर में रह रहे हैं और वो जिस तरीके का इंटीरियर यूज कर रहा है उससे भी हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है ऑनर की, या ऑनर का वास्तु टेनेंट पे इम्पैक्ट? ये दोनों चीजें संज्ञा जानने के लिए हम कल बात करेंगे आचार्य जी से, सेम टाइम पे सेम आईडी सेम पासवर्ड। जी सर कुछ कह रहे थे आप? तो मैं जय गुरु जी। जी साहू मैडम बताएं। जी 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 फ्रीज के बारे में ही, नॉर्थ वेस्ट के अलावा और भी कोई? नॉर्थ वेस्ट का सेकंड गुड डायरेक्शन जो है वो साउथ ईस्ट है उसकी। अगर नहीं हो सका तो अगर वो ईस्ट में ही रहेगा तो मैं फिर कोर्स ज्वाइन कर लो उसका उपाय बता दूंगा मैं, चिंता मत करो। जी 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 मैडम सबसे बढ़िया चीज दे ही रहे हैं, कोर्स ज्वाइन करो ना। कोर्स ज्वाइन कर लो। जी जी कोई बात नहीं आप, और उसके बाद भी अगर नहीं आपका फ्रिज जमा तो आपके घर में खुद आऊंगा। सर ओडिशा में है, आपकी तो लॉटरी लग गई। बताइए आप फ्रिज से चिंता कर रहे हैं बताओ हम। सर ओडिशा से है हम। अरे मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहां तक हवाई जहाज जाता है वहां तक हम पहुंच ही जाते हैं। आपके दिल में होना चाहिए बुलाने की, बस कुछ थोड़ी सी फीस है 7 लाख रुपए और हवाई जहाज की, ज्यादा पैसे नहीं आ जाएंगे। थैंक यू। ओके जी गौरव जी अनम्यूट करें। गौरव जी हां जी सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। एक आपने बताया था भी वो घोड़े वाली फोटो बताई थी राइट, तो अगर घर की जो डायरेक्शन बताई थी आपने अंदर की तरफ होना चाहिए डायरेक्शन घोड़ों का राइट, हाँ। तो अगर घर का एंट्री डोर है और बैकयार्ड का पैट्रियो डोर है राइट, अगर मैं घर की किस किस डायरेक्शन से देखना पड़ेगा उसको, लाइक मेन डोर से देखना पड़ेगा अंदर की तरफ सेंटर से? तो फिर अगर सेंटर से तो वो बाहर की तरफ हो जाएगा, बैक डोर से बाहर जा रहे होंगे तो मत लगाओ सर, दूसरा उपाय कर लो, उसमें क्या जरूरत है खाली हुए लगाने की, सूर्य लगा दो वहां पे। मैंने कोई एक उपाय थोड़ी ना बताया, ईस्ट के आज ही 3 उपाय बता दिए, 5 और बता दूंगा। नहीं मैं सर पूछ रहा था फोटो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ऐसे फोटो लगा दी जाए तो 7 घोड़े लगा लो ईस्ट से उगते सूरज के साथ, ईस्ट में नई जगह मिली तो खाली सूर्य लगा दो, नई जगह मिली तो एक लकड़ी का गम वो ले लो, आप क्या कहते हैं फ्लावर बेस स्क्वायर होना चाहिए उसके अंदर ऑरेंज कलर के फ्लावर्स लगा दीजिए, सिंपल। ओके थैंक यू। इतनी सारी रेमेडी, फर्क आएगा उगता हुआ सूर्य अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है, 7 घोड़े के साथ लगा के देखो फर्क आ जाएगा। नहीं सर मैंने लगाया तो वो जो डायरेक्शन था ना डोर से मेरे तो बाहर जा रहे हैं, वो जो बैक डोर से बाहर जा रहे हैं उस समय। रुक रुक रुक, अरे रुको भैया बाहर मत जाओ। दूसरी फोटो डाउनलोड कर लो, मिल जाएगी नेट पे, मिल जाएगी। ठीक है थैंक यू। थैंक यू थैंक यू जी। गजेंद्र जी, गजेंद्र जी बलबीर कौर मैम। जय गुरु जी। जी सर। जय गुरु जी सर। जी बलबीर गजेंद्र जी बोलिए, पहले आप बोलिए। सर मेरे को पूछना था सर, वेस्ट और साउथ के बीच में अगर सीढ़ी के नीचे बाथरूम है सर, तो उसके लिए क्या मतलब करना होगा? मैं तो कोर्स में आ रहा हूँ सर, सीढ़ी के नीचे सर वेस्ट जो सीढ़ी के नीचे बाथरूम अच्छा नहीं होता सर। इनका पेमेंट आ गया है। ओके क्या बात है, क्या बात है। अब
पेमेंट आ गया तो उसका मतलब सारा उपाय यही बता दूं, ऐसा नहीं होने का। ऐसे बता रहे हैं यार, बता रहे हैं कि भाई साहब भाग्यशाली। अरे सर भैया ये तो करो उपाय बता दो तो क्लास में बता लेंगे इनको, तो क्लास से लेंगे। भाग्यशाली पर्सन है की पेमेंट आ रहे हैं सर, इतनी बात बोली है। अच्छा ठीक है मैं बुरा नहीं मान रहा, चिंता मत करिए। आप आशीर्वाद दो, आप गजेंद्र जी को आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो सर। बार बार ये क्यों ये चल जाता तो फुल नहीं नहीं देखो ये पहले तो उसको एक बार ठीक से ग्रिड कर लेंगे मैं आपको कि क्या एक जगह ऐसी है वास्तुशास्त्र में, आप सभी लोग नोट कर लिए, जहां पर सीढ़ी के नीचे टॉयलेट अलाउड है वो है SSW साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। अगर आप वहां पर मतलब ऐसा नहीं हर जगह सीढ़ी के नीचे टॉयलेट है तो बिल्कुल खराब ही होगा ना, अगर वो पर्टिकुलर एक दिशा में आती है तो वो ठीक है। कोर वास्तु की बात बता रहा हूँ, पहले ग्रिड कर लीजिए मैप को, अगर नहीं हुआ वहां पे नहीं आई, एक बार जब दिशा सीख जाएंगे हम करना उसको बनाना, वहां नहीं आई तो मैं उसको उपाय भी बता दूंगा, ठीक है, नो इश्यूज, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। अपने पास गंगा माई की कृपा से वास्तु के उपाय ही उपाय, और अब ज्योतिष के भी उपाय शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उपाय करने बहुत सही है। बलबीर कौर मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि नॉर्थ में एक्वेरियम रख सकते हैं हम, तो जैसे रेक्टेंगल में हमारा एक्वेरियम तो उसको रख सकते हैं वहाँ पे, तब भी चलेगा मैम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। और सर एक क्वेश्चन और पुट अप कर सकती हूँ? बोलिए मैम, बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो घर का सेंटर होता है वो जो हमने घर बनाया उसके हिसाब से लेते हैं या जो मेन गेट बाहर लगाया था उसके हिसाब पूरे प्लॉट का लेते हैं? प्लॉट का, पूरे प्लॉट का सर जी। इसीलिए तीसरे दिन की क्लास जो है वो पूरी ब्रह्म स्थान के ऊपर ही होती है, दूसरे या तीसरे दिन की, जो मैंने अभी आपको बताया वो इसीलिए ही होती है कि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं भी आपकी क्लास ज्वाइन करूंगी सर। आओ मैम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू सर। शीतल मैम, जय गुरु जी। ज्योति मैम, जय गुरु जी। सोनल जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी सुमित सर। जय जयकार मैम। सर जस्ट टू टेल आई एम ऑलरेडी इन योर क्लास। थैंक यू मैम, थैंक यू। जस्ट फॉर दिस इज द ओनली एक्साइटमेंट थिंग इज दैट आई एम ऑलरेडी इन योर क्लास सर। यस बिल्कुल, आपका स्वागत है पूरे जोश के साथ। हमको सबर का फल बहुत अच्छा मिला है सोनल मैम, मिला है सर। आप मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं देते, आज मैं संदीप सर के सामने बोलने वाली हुई है। वो तो मैं नहीं कह रहा हूं, पर ये सबर का फल मीठा मिला नहीं मिला? बिल्कुल मिला सर, बिल्कुल मेरा। आपको सबसे ज्यादा तंग किया मैंने सुमित सर की क्लास के लिए। हां तो बताओ। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। रेडी मोट सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अपना 3 BHK का हाउस है तो हम डायरेक्शन देंगे पर रूम के हिसाब से डायरेक्शन देंगे, पूरे घर के हिसाब से देखेंगे। पहले मैडम अपनी वीडियो, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, पहले वीडियो बंद कर लो फिर पूरी बात करो सर से। ओके सर जी मैम, आप पूछिए। हेलो जी, हाँ जी हाँ जी सर, मैं कह रही थी 3 BHK हमारा फ्लैट है तो हमें वो उसके हिसाब से डायरेक्शन देखनी है या पर रूम के हिसाब से डायरेक्शन देखनी है? जो आपने रेमेडी बताई ना, आपको पूरे घर के हिसाब से डायरेक्शन देखनी। तो जैसे उसके घर में जो नॉर्थ पड़ेगा उसमें नॉर्थ की तस्वीर, साउथ पड़ेगा तो साउथ की, इस तरह से लगा। हाँ जी ऐसे ऐसे। ओके सर, थैंक यू। एक मिनट सर, सर जैसे हम हमें शॉप के लिए अपना करना होता है कि हमें शॉप में तरक्की हो तो उसकी रेमेडी हम घर पे करें या शॉप में करें? दोनों तरफ है, दोनों साइड से, दोनों साइड, थैंक यू, दोनों जगह करनी पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, जी शीतल जी। शीतल मैम, शीतल मैम अनम्यूट करें प्लीज। मैम आपके माइक में प्रॉब्लम है, आपके माइक में प्रॉब्लम है मैम, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मैम। माने मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। सुमित सर, आई वांटेड टू नो, जो आपने वॉशिंग मशीन का बताया है डायरेक्शन, तो
ये जो डायरेक्शन है ये हम घर की डायरेक्शन देखेंगे या फिर अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट का कमरा है उसकी डायरेक्शन देखेंगे, कैसे देखेंगे? घर की डायरेक्शन, घर की डायरेक्शन में देखेंगे। सो तो अगर वो नॉर्थ ईस्ट का कमरा और उसमें हमारा बाथरूम अगर साउथ की तरफ बना हुआ है उसमें लगा सकते हैं, चलेगा? हां जी, मुझे समझ। अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट का कमरा है घर में और हमारा बाथरूम अगर साउथ या साउथ ईस्ट या कहीं और वेस्ट में बना हुआ है तो उसमें वॉशिंग मशीन लगा ले तो चलेगा? देखो मैम, वॉशिंग मशीन तो हर जगह चलेगी, कोई बात ही नहीं, लेकिन बेनिफिट उठाना है तो जो मैंने डायरेक्शंस बताई वहां लगा लीजिएगा। हां सर, मेरे को उसी में कंफ्यूजन है समझने में कि आपने बोला घर की नॉर्थ डायरेक्शन लेना है। घर में नॉर्थ का रूम है पर बाथरूम नॉर्थ में नहीं आ रहा रूम का, वो तो इसलिए मैंने तीन डायरेक्शन बताई, ईएसई में लगाइए या डब्ल्यू एंड डब्ल्यू में लगा लीजिए, वो आपको बेनिफिट होगा। और क्लियरिटी के लिए फिर कोर्स में आना पड़ेगा आपको कि कैसे कैसे क्लियरिटी होगी। नहीं जी, और सर एक चीज और, एल शेप सोफा पे आप कुछ सजेशंस दे सकते हैं, वो सही होता है लगाना घर में या नहीं? ओके बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। ओके मैम। दीपा मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी मैम। सर इनसे पहले एक मिनट दीपा मैम, इनसे पहले जिनको हमने अभी माने मैम अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, शीतल मैडम थी वो जिनकी आवाज नहीं आ रही, शीतल मैडम थी वो। हाँ कोई बात नहीं, जिनकी आवाज नहीं आ रही वो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दीजिए। शीतल मैम चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जी दीपा मैम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर हमारा एक मकान है वो 15x60 का है, तो वो रेक्टेंगल मकान है, तो उसका जो एंट्री है उसकी सेंटर में एंट्री है, सेंटर से एंट्री निकलती है, तो उसका भ्रमस्थान ना घर के बाहर चला जाता है, तो घर के अंदर नहीं आता उसका भ्रमस्थान, तो वो उसका जो वास्तु दोष है उस मकान में रहना ठीक है या नहीं है? मैम ये यहाँ से दूसरे कोर्स में, यानी इसके बाद जो अभी तो एडवांस तक चल रहा है ना हमारा कोर्स बेसिक टू एडवांस, यहाँ से जब आप ये वाला कोर्स कर लेंगे तो अगले कोर्स में दो भ्रमस्थान कैसे जनरेट करते हैं वो बताऊंगा आपको। अच्छा, इसमें दो भ्रमस्थान जनरेट करना। हाँ जी हाँ जी, उसमें फिर आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि मेरे को ये जो खाली पार्ट है ये मेरे काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हम उसको भी कैसे अपने लिए बेनिफिशियल बना ले। जी सर, एक क्वेश्चन हो रहा है कि सर जैसे आपने बताया नॉर्थ में वॉशिंग मशीन है जो पानी फेंकती है और हम रख सकते हैं, लेकिन सर नॉर्थ में कहते हैं कि हैवी चीज नहीं रखनी, तो क्या वो पॉसिबल है कि नॉर्थ में रख ले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी? नॉर्थ में हैवी चीज नहीं रखनी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मूविंग चीज रख रहे हैं आप कोई ना, जैसे नॉर्थ में घड़ी लगा सकते हैं, नॉर्थ में हम ये पंखा लगा सकते हैं, नॉर्थ में एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, इस तरह अगर आप नॉन मूविंग थिंग लगोगे तो वो भार बढ़ाएगी, लेकिन अगर आपकी वॉशिंग मशीन है वो हफ्ते में 2-3 बार चली रही होगी और वो पानी गिर ही रही होगी तो फिर रख सकते हैं, खराब मशीन ही रखनी। सर नहीं नहीं सर, रेगुलर चल रही है तो डेली चलती है, लेकिन कलर भी उसका वो इफेक्ट करेगा, कलर मतलब लाल रंग की मशीन ली तो एंटी कलर हो जाएगा, और अगर आपने वो सारी बातें करेंगे ना मैम, सारे यही पूछ लोगे क्या, कैसे चलेगा फिर काम? आप पूछते जाओ मैं बताता जाऊंगा, और फिर यार राहुल सर मेरी तनख्वाह काट लेंगे, कहेंगे तुमने सब तो यही बता दिया, आगे करोगे कोर्स में। ठीक है, स्वागत करेंगे मैम कोर्स में आपका, थैंक यू सो मच। रचना जी, रचना मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सर राम जी, मुझे ये पूछना है कि टॉयलेट कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए? टॉयलेट कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए? SSW, WNW, ESC, तीन डायरेक्शन से टॉयलेट की बनाइए। SSW और ESE और WNW। WNW, ठीक। हाँ जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू। शुभांगी जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। हाँ मुझे यही बोलना था कि मैंने 5 तारीख को ही एनरोल कर दिया है, इसलिए okay. मैं बोल रही थी, आप बोले आज के 30 लोग, इसलिए लेकिन सर ने क्लियर कर दिया। हमारा कोई बच्चा छूटेगा नहीं, आप टेंशन ना लो, सब रिकॉर्डेड है मैडम। हाँ सर, हाँ सर। और मैंने न्यूमरोलॉजी भी किया है आपसे, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। संजय जी, जय गुरु जी। संजय जी, संजय अनम्यूट करें प्लीज।
सरिता मैम कहिए। हाँ हाँ सर जी, मैं पेमेंट कर चुका हूँ सर। पेमेंट कर दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद और आगे सर। फिर आप सुपर 30 पहुंच गए। थैंक यू सर। सरिता मैम कहिए। जय गुरु जी सर, क्लास में आना है, पेमेंट कल होगी सर। तो करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस 30 में नाम है मेरा। वो राहुल सर से पूछिए। आप पेमेंट करो ना मैडम, पेमेंट करो, बात खत्म, अभी कभी पेमेंट करो ना। या अगर आप नहीं हो पाए, राहुल सर से सिफारिश चलते हैं तो सिफारिश लगाओ। अच्छा ठीक, सिफारिश किसी की ना, जल्दी सर काम तो मैं कर दो, जेन्युइन जो है। राहुल सर कल पेमेंट हो जाएगी ना सुबह 11 बजे तक? मैम देखो, मैं तो अभी क्या, मेरे पास कम से कम जो पेमेंट आ रही है मैं तो वही चेक कर रहा हूँ, सुबह जो होगा वो सुबह ही बता पाऊंगा। कोई नहीं, कल कुछ और सोचेंगे। आप पर ये जो सिफारिश वाला काम तो सर जो जेन्युइन है मैं वही कर सकता हूँ। सबके लिए बराबर है मैम, सबके लिए मेरा नहीं, बारिश नहीं लगा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ पेमेंट कल हो जाएगी सर 11 बजे तक, अभी नहीं हो पाएगी। गूगल पे मैम, जो गुरु जी की ब्लेसिंग आनी हुआ है, टेंशन मत लो, हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और क्या साथ रहेंगे मैम, बिल्कुल बेफिक्र रहो, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है सर। बस 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 सर से कुंडली दिखवानी है, इसलिए रोल नंबर 30 में आना है, इसलिए और कोई बात नहीं है। राइट मैम, थैंक यू सो मच, आइएगा। थैंक यू सर। राजेश भाई, जय गुरु जी। जय गुरुदेव सर। आवाज आ रहे हैं सर? जी डियर, आवाज आ रहा है। सर राजेश धवन, गुजरात। ओके डियर। सर एस्ट्रोलॉजी तो करते हैं, एनरोल कर दिया अभी, लगभग फर्स्ट पांच में होगा नंबर, और सर वास्तु सीखना है सर। एस्ट्रोलॉजी आती है आपको? हाँ मैं करता हूँ सर, थोड़ी थोड़ी। बहुत बढ़िया सर, मतलब प्रोफेशनली करता हूँ सर। फिर हमारा मार्गदर्शन कर दीजिएगा, कहीं गलत तो नहीं? नहीं नहीं संदीप सर, नहीं सुमित सर। फर्स्ट 30 के लिए तो फास्ट किया मैंने कि भाई मेरा नंबर लग जाए। ओके जी, ओके, थैंक यू सर। ऑलरेडी डूइंग बिजनेस आल्सो। ओके, सो ग्रेट ऑफ यू। ऑलरेडी डूइंग, हां ऑलरेडी हैविंग दया ऊपर वाले की, शुक्र है बहुत कि आप बिजनेस कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ, मतलब आपको तो सैल्यूट है। मैं एक ही टेबल पे मैं 2-3 बिजनेस कर लेता हूं सर। और बढ़िया। और सर ट्रस्ट मी, प्राय से तो सर राजेश भाई आज तक लोग पूछते हैं अच्छा क्या करते हो, मैं कहता हूँ वास्तु करता हूँ। अच्छा नहीं और क्या करते? नहीं एस्ट्रोलॉजी, नहीं वो तो ठीक है, करते क्या हो तो लोग अभी तक ही पूछते हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं कि ये लोग अपने रोटी पानी भी चला पाते हैं। सुमित सर मैं प्राइवेट लिमिटेड फर्म पे बैठ करके एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। ओह सो ग्रेट, मैंने कहा ना आप बच गए, हमारे से तो वास्तु करते क्या हो यार, ये एस्ट्रोलॉजी करने वाले वास्तु करने वाले लोग नल्ले हैं बिल्कुल के बस की। नहीं सर आप अगर निरंतर काम करते रहेंगे तो सर आपको रेस्पेक्ट और सपोर्ट मिलता ही है सर। मिलता है सर, मैं मतलब उन्हें कह नहीं सकता कि हमारे पास गंगा माई कृपा से आज की तरह 24 घंटे भी कम है, अगर 48 घंटे का दिन होता तो 48 घंटे का रहते रहते। सर मेरी एक ही सोच है बस, निरंतर करते रहो, आप अपने को कहीं और पाओगे एक जगह पे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है भैया। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, और सर जो काम बिलो ना उसमें डेडिकेशन होना चाहिए बस इतना। बिल्कुल राजीव भाई, बहुत सर आई एम स्पोर्ट, और सर आई एम स्पोर्ट्स मैन, आई एम साइक्लिस्ट, 200 किलोमीटर साइकिल चला लेता हूं। टू गुड सर, ऊपर वाले की कृपा है सर। अब तो मुझे जलन हो रही है आपसे भैया। 200 किलोमीटर साइकिल चलाता हूं 10 घंटे, ऐसा बंदा नहीं चाहिए हमें अपनी क्लास में। नहीं सर, और सर आप हमारे प्रेरणा स्रोत होंगे, मोस्ट वेलकम। और सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर बताऊं सर, आई वाज हाई कोर्ट एडवोकेट। लेकिन सर वो काम नहीं समझ में आया, ये ज्यादा समझ में आता है। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, जहाँ पे दिल लग जाए वहाँ पे बस चले जाएगी। हाँ जी सर, ग्रेट है सर, ग्रेट है, मतलब हमारे पुण्य कर्म करे होंगे संदीप सर जो नहीं सर लोग जो है अपने साथ जुड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो पिछले जन्म का, वही जन्म में तो कुछ किया नहीं। नहीं मैंने इसलिए परिचय दिया कि भले सबको पता चलना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी एनीबॉडी कैन डू, ऐसा नहीं है कि आप स्पोर्ट्समैन हो या बिजनेसमैन हो। हाँ जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आपकी भावना, इसमें शक की कोई बात नहीं कि कुछ लोग ये कोर्सवेयर देखकर या आगे कुछ हो सकता है कि इस बेसिक में 10% से लेकर 100% तक समझ आ जाए, कुछ लोग जिनको कम समझ आएगा उनको जाना नहीं है, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ये एक निरंतर प्रक्रिया का मतलब है ईश्वर की ज्योति। अब ईश्वर की ज्योति को समझना कोई एक आसान काम थोड़ी ना, या ईश्वर जिसको ज्योति दिखाए मतलब वो लाइट जो है वो ईश्वर आपको दिखा रहा है, उसको समझना कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी। और सर वन थिंग इज श्योर कि सर मोटिवेट करते रहो बस, किसी न किसी बहाने, आइदर एस्ट्रोलॉजी, आइदर बिजनेस, आइदर वो, आइदर व्हाट,
You are right. Amazing. Slapping for you. Thank you, sir. Thank you. See you on the board. Thank you, sir. Iti Chaturvedi ji. Preeti ji. Ji. Sandeep sir and Sumit sir. Awaaz aa rahi hai sir? Loud and clear. सर मेरा एक क्वेश्चन है. एक तो ये कि जैसे मेरे हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो मेरे पास, मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरे पास कैश फ्लो हो जिससे मैं कोर्सेस कर पाऊँ. फर्स्ट थिंग तो ये. और दूसरी चीज ये है कि हमारे ना दो लैंड्स हैं सर, उसकी मतलब सोसाइटी से लिए थे, तो उसकी हमारे को रजिस्ट्री करानी है जल्दी से जल्दी जिससे हम घर बना पाए इस पर. ठीक है मैम, पहले तो आप जो आज मैंने रेमेडी आपको बताई ना, वो नॉर्थ को एक्टिवेट कर लीजिए अपने झरनाओं की पिक लगा के या कोई झरना लगा के. ठीक है ना? हाँ, ड्रीम होम की पिक लगा के. ठीक है, ठीक. और ये जो इसकी वाली रेमेडी है आपके प्लॉट की, वो अपन जो है कोर्स में करेंगे. एक छोटा सा उसके रेमेडी है, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ वो समझना पड़ेगा, उसका मतलब वो काम कैसे करेगी, वर्कआउट कैसे करेगी, तो उसको कोर्स में समझ लेंगे. आपके पास पैसे आ जाएंगे और आप मन में ठान लीजिए कि ये करना है तो आएंगे ही आएंगे. राइट, ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सोनाली मैम, जय गुरु जी. अंजना मैम, जय गुरु जी. जय गुरुदेव सर. जय गुरु जी मैम. आवाज लाउड एंड क्लियर मैम. लाउड एंड क्लियर आ गई आवाज. लॉग इन मतलब साफ आ रही है मैडम, बिल्कुल साफ आ रही है आपकी आवाज. आप आशीर्वाद दें मैम. सुमित सर को भी बहुत बहुत नमस्कार. आपको भी सर बहुत याद करते हैं. Thank आप you. लोगों को थैंक यू मैम. सर बस वो बेटे की मैरिज के लिए पूछना था, कुछ करवाओ ना सर. अब तो मकान बन गया, आप लोगों के आशीर्वाद से बन गया, बहुत बढ़िया बन गया, सब कुछ वास्तु के अकॉर्डिंग सेट भी कर दिया. बार बार सुन सुन के चेक भी कर लेती हूँ. मैडम मैंने तो सारी रेमेडी बता दी आपको क्लास में. अब आप सुमित सर क्लास में. हाँ, वो तो हाँ, वास्तु को सर, वो उल्टी वाला तो मैं कर रही हूँ उसका लगातार. सोने की घड़ी वो जो स्ट्रैप वाली, वो भी उसको डलवा दी है. ब्रेसलेट पहनाओ, गले का यंत्र पहनाओ, विश पिरामिड रखो, पायरा फायर करो. करने को तो बहुत कुछ है, करोगे तो देखो बात बनेगी. मैं खुद आज कर रहा हूँ 11 साल से. सर सुमित सर से भी बता दीजिए, पूछ के सुमित सर क्या एडवाइस करते हैं. उन्होंने बोला था ईस्ट को वो कर लो, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगी. वो भी कर दिया मैंने, मिर्ची ला के रख दी, तेल का टिन भी रखा. और बताएं अब. अब मैम लड़के को साउथ ईस्ट के बेडरूम में सुलवा दो. साउथ ईस्ट के बेडरूम में सर मैंने ऊपर कमरा बनवाया है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. बस साउथ ईस्ट के बेडरूम में उसको कर बेड लगा दूंगी उसका. और बताएं सर, वो नीचे किचन है तो ऊपर बेड लग सकता है. हाँ, लग सकता है, कुछ टाइम के लिए तो रखना है हमने उन्हें वहाँ पे. साउथ ईस्ट यू मीन टू से, मोर टुवर्ड्स ईस्ट. हाँ हाँ, है ना, ईस्ट इज साउथ, राइट. बस यही लास्ट, अभी उसके बाद में फिर और कुछ तो नहीं. मुझे करनी है उसकी शादी. अब आप लोगों को मुझे रास्ता बताना है, मुझे नहीं पता, अब बता दो बस. मेरी बात सुनो मैम, कि हम लोग जो है यहाँ पर अपील कर देते हैं कि इनके पास एक बहुत अच्छा सुंदर सा बच्चा है, उसके लिए कोई बहुत सुंदर सी बच्ची. और क्या, हम भार नहीं मानने वाले. हम कुछ करने वाला कोर्स है तो मैं और कोर्स में भी कर लूं, नहीं तो पहले मेरे को लड़का शादी करा दो, उसके बाद में आगे कोर्स में आ जाओ. 25,000 गिफ्ट फ्री में दिए, आ जाओ करके देखो. है ना, क्या पता कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है उनके साथ, उसको सर वो ही लग रहा है मुझे. तो वो आप पत्री देखेंगे, फिर इसमें देख लेंगे उसकी पत्री. सुपर 30 में आप आओगे तो मैं उसकी देख लूंगा. किसी की एक सुमित सर अलग से बता दो, टाइम दे दो, मैं आपको पत्री भेजती हूँ, उसका पेमेंट ले लो. हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं मैम, बात कर लेना. भेज दो मैम 11,000 रुपए सर को ही भेज दो, मैं देख लूंगा. 11,000 रुपए कम नहीं करोगे? कुछ तो कंसेशन कर दो. बाकी बच्चों का भी कर ले दो आशीर्वाद. आप सुमित सर का नंबर है, कल बात कर लेना. ठीक है सर.
ठीक है सर, सुमित सर से पर्सनल कंसल्टेशन लेती हूं। कर लो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैम। उसके बाद मैं जॉइन नहीं करूंगा, कोशिश कर रहा हूं हरिद्वार होके आऊं, ये मुझे गंगा स्नान करवाएं, मेरे में भी आशीर्वाद बना रहे इनका। हां ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू। शादी हो जाए लड़के की, सारे कोर्स कर लूंगी सर। चलो चलो, टेंशन मुक्त हो सर, कोर्स कर लूंगी, दावत भी देने की, टेंशन फ्री तो हो जाओ सर। ओके ओके, करता है अनम्यूट। हेलो, जय गुरु जी, संदीप सर जी, मोनिका वाली हूँ। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। सर मेरा क्वेश्चन सुमित रावल जी से था कि हम लोग, जैसे आपको पता ही है कि हम किराए के घर में रह रहे हैं, तो इसका क्या वास्तु के अंदर कोई सोल्यूशन हो सकता है कि पिछले 10 साल से हम लोग जैसे कि किराए पर ही हैं। कल कल आ रहा है इस पे वेबिनार, कल बात करेंगे, टॉपिक कल आ रहा है। ठीक है सर, मुझे अपना अपना मकान छोड़ के 5 नंबर किराए के मकान पे आ गया। आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये जितने भी बड़े बड़े नाम है, ये सब दिल्ली से अपना मकान ले गए थे? नहीं सर, ये तो आपने पहले बताया, आपने रेमेडी भी मुझे बताई थी, लेकिन मुझे था कि वास्तु के हिसाब से अगर मुझे कुछ और मिल जाए। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ मैम, कि वास्तु की रेमेडी अगर आप करते हैं तो वो आपकी कुंडली के चौथे भाव के ऊपर इम्पैक्ट करता है, और जो मकान और वाहन दोनों के दोनों देता है, तो उसकी उसके ऊपर कल चर्चा कर लेंगे। डन, ठीक ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। शर्मा जी देखो माइक ठीक हुआ कल का? हेलो, हाँ जी शर्मा जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी डियर। हेलो, आ रही सर आवाज? आ रही डियर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है। अच्छा सर, मुझे एक वास्तु रिलेटेड पूछना है कि जैसे पहले मेरे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, परफेक्ट नॉर्थ ईस्ट में, अब मैंने जैसे पता लगा तो उसको वहां से हटा दिया, फिलहाल वो स्पेस बिल्कुल खाली है, मींस 5x5 का, तो उसमें क्या हो सकता है सर? सर 5x5 के रूम में आप क्या कर सकते हैं? ये सबसे पहले नहीं, वो स्टोर बनाना है हमें, है ना? हाँ जी, नहीं स्टोर तो नहीं बनाना सर उसमें, बस फिर खाली रखिए सर उसको, आराम से खाली रखिए सर, या हम कुछ मान स्टडी टेबल लगा के स्टडी रूम बना सकते। अच्छा जी सर, उसमें कहते हैं जैसे फोटो लगा के या कुछ कुछ तरह कुछ और क्या हो सकता है सर? हम तो पूरी को इसके अगले कोर्स में शिफ्टिंग सिखा देंगे, आप जो मर्जी करना उसके ऊपर, कोई दिक्कत। और उसमें एक टैप भी लगा हुआ है सर पानी का ना? हाँ, आप उसको वॉशिंग एरिया बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि नॉर्थ में लगा हुआ है उसमें टैप, वॉशिंग एरिया बनाते हैं उसको, खाली स्नानागार में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी यूज़ बेडिंग रूम में यूज कर सकते हो। और साउथ ईस्ट में परफेक्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट ठीक है सर? नहीं, बिल्कुल खराब है, बहुत खराब है साउथ ईस्ट में सर। हाँ जी, आपने बताया था सर ईस्ट साउथ ईस्ट, मैंने ईस्ट साउथ ईस्ट कहा था, ईस्ट साउथ ईस्ट जो है वो 22.5 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट होता है, लेकिन साउथ ईस्ट जो अग्नि कोण में अगर पानी पड़ जाए तो वो खराब ही रहता है ना। तो वहाँ क्या करें सर? फिर सर कोर्स ज्वाइन करो, बताऊंगा उसमें बहुत सारी बातें और। ठीक है सर, ठीक है ना, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ज्योति मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। सर मुझे पूछना है, मेरा ना अभी घर बन रहा है वैशाली में, तो उसकी जो किचन है ना वो नॉर्थ ईस्ट साइड है, और जो उसका जो वॉशिंग है ना, जहाँ बर्तन साफ होंगे, वो उसकी जो सारे टैप्स है वो नॉर्थ साइड लगे हुए हैं, तो क्या वो डायरेक्शन ठीक है? उसका क्या रेमेडी हो सकता है अगर नहीं है तो? क्या बोला एक बार? नॉर्थ ईस्ट में किचन है, नॉर्थ ईस्ट की किचन कभी भी अच्छी नहीं होती, और सही डायरेक्शन क्या होती है? साउथ ईस्ट। अगर इसकी कोई रेमेडी है, क्योंकि उसका जो वॉशिंग है वो नॉर्थ की तरफ है, मतलब जहाँ बर्तन का एरिया है वो नॉर्थ की तरफ है, टैप्स जो लगे हैं, ठीक है, वॉशिंग नॉर्थ में चल जाएगी, पर किचन टोटल एज अ टोटलिटी में अच्छी नहीं है, जो हम शिफ्ट कर देंगे। ओके, और जो ईस्ट की तरफ अगर फेस करके अगर हम वहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है? चूल्हा तो नॉर्थ ईस्ट में जली जाएगा ना। अच्छा, ओके, और वॉशरूम भी उसके साइड में नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही है, बीच में साफट है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही वॉशरूम है, तो वहाँ पे हम उसे बेथिंग और वॉशिंग एरिया बनाने का सोच रहे हैं, तो क्या वो ठीक है? वो ठीक है, ओके, सीट हटा दीजिए वहां से, है ना? क्या हटा देंगे? टॉयलेट सीट हटा दीजिए। हाँ, टॉयलेट सीट हट जाएगी। और सर फिर इसका कोई रेमेडी नहीं है किचन का? रेमेडी की तो ढेर है मैम, ये कोर्स करते चला और रेमेडी रेमेडी में ये मोटी किताब मिल जाएगी आपकी। देखो आपका नया मकान बन रहा है, कई बार क्या होता है आप डायरेक्शंस को देख रहे हो, कई बार कहीं और दोष निकल आता है,
आप कोर्स को करो, सारी जिंदगी आपको रिग्रेट। सर एक्चुअली मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो अभी मेरा थोड़ा करियर पे फोकस है, करियर बनाना है। 7-8 दिन में क्या करियर आपका इससे और अच्छा हो जाएगा। तो अभी क्लासेस वगैरह चलती हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। कोई नहीं, अगली बार आओ मैम, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सर। मृदुला मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, फिर से मिल गए हम। आओ मैम, आओ बिल्कुल। नहीं मैं तो आ गई सर, मैंने पेमेंट भी कर लिया है, मैं सुपर 30 में आ भी गई हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरी बहुत इच्छा थी कि सुबह सर मेरी कुंडली देखे। जी 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 जी, तो ऑरा स्कैनर किया था सर, तब से मैं वेट कर रही थी कि वास्तु का कब आएगा। वो ज्वाइन ही मैंने वास्तु का बेसिक के लिए किया था, लेकिन मैंने ऑरा स्कैनर कर लिया। अब जब आया तब मुझे ये छोड़ना नहीं था, तो मैंने पहले ही जैसे आया वैसे कर लिया। क्या बात है मैडम, ऑल द बेस्ट। मेरा ये सवाल था, मेरे घर पे नॉर्थ ईस्ट में मतलब दो घर है, एक मायका और ससुराल। तो ससुराल में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और मायके में नॉर्थ ईस्ट में सीढ़िया आ रही है, तो दोनों जगह पे कुछ कुछ प्रॉब्लम है, तो इस पे कुछ कर सकते हैं? हाँ, पूरी तरह से कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करें, मैं बहुत सारे रेमेडीज देने वाला हूं। मैं कर ली हूं सर। बस तो फिर उसमें करेंगे ना बात, ये यहाँ क्यों करने की बात। ठीक है। 8वें दिन से आप रेमेडी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी। अवधेश जी, जय गुरु जी। गुरु जी सर, जय गुरु जी, प्रणाम। नमस्कार अवधेश जी, कैसे हैं सर? आशीर्वाद है सर आपका। ऐसे एक सवाल तो मैं डायरेक्ट भी पूछ लेता, लेकिन अचानक ध्यान आ गया वेबिनार है आपका। सर बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद। एक आपसे सर, एक वो मैंने काफी देखा लेकिन वो समझ नहीं आ रहा, एक पॉइंट पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हम ऑरा स्कैनर से जैसे हमको बहुत सी चीजों की एनर्जी नापते हैं, और किसी ने कहीं कुछ चीज की नेगेटिव एनर्जी है किसी सामान में, मान लो कपड़ों में या किसी चीज में, फूल में, किसी भी चीज में है, किसी ने हमको गिफ्ट दिया, उसमें वो नेगेटिव एनर्जी को कैसे सर दूर करें, ये समझ नहीं आ पा रहा। और मैंने ट्राई करके देखा है, वो नमक के पानी वगैरह से धो के सब कुछ करके देख लिया, उससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हाँ गंगा जल छिड़कने से तो फर्क पड़ा है। गंगा जल लीजिए, मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ है गंगा जल लीजिए, उसके अंदर थोड़ा गोमूत्र डाल लीजिए, पतंजलि का गोमूत्र आता है ना, ये एक बोतल, उसको स्प्रे बॉटल में करके स्प्रे कर दीजिए, वो गायब हो जाएगी। अच्छा ठीक है। ये लग रहा किसी ने तंत्र मंत्र, किसी ने कुछ कर रखा नेगेटिव, जान मुझे करके दे दिया। बूस्टर डालो ना जेब में प्रभु जी, ओला बूस्टर रखो ना जेब में, इतना बड़े टूल है सर, वो ले रखा है सर, आपके आशीर्वाद से है। तो परवाह नहीं करनी, देखो हम क्या करते हैं कि पॉजिटिविटी घर की बढ़ाती चले जाते हैं, तो नेगेटिविटी एक टाइम पे खत्म ही हो जाती है। ठीक है। बाकी वो यंत्र भी लग जाएंगे, वो तो सर डिस्पैच हो गए हैं। बस मैंने उनसे बात की थी ना, वो आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने कहा आराम कर रहे। अच्छा किया, आराम तो मैं कभी करता ही नहीं। जब लगाऊंगा तब आपसे जरा मार्गदर्शन ले लूंगा, है ना? राजेंद्र सर, जय गुरु जी। योगेश भाई, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर जी, इतना बम फेंका है। एनरोल तो करिए, एनरोल तो करिए दिए है सर, हमारा कुंडली दिखाना है गुरु जी। ठीक है, आ जाइए ना, पक्का देखूंगा। आ गए सर, आ गए। जी राजेंद्र जी, प्लीज अनम्यूट करें। राजेंद्र जी, अमृता जी कहिए। जी अमृता मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी चांस सर। आई एम इन लव विद वास्तु और इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू, आपने ही मेरी शुरुआत करी है, आप ही मेरे पहले टीचर बने थे और आपसे मैंने बेसिक कोर्स किया हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे ही बनते जा रहे हैं, मेरे नेबर्स भी, उन्होंने भी कहीं और से किया, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे टीचर ने क्या सिखाया, आपके टीचर ने क्या सिखाया, और भी जो फेमस वास्तु शास्त्र की बुक्स है या उनके यूट्यूब चैनल्स में हम वो सुनते हैं और डिस्कस करते हैं आपस में। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे
एक जने ने बोला कि हमें किसी भी चीज को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, स्पेशली टॉयलेट और सीढ़ियां और छत को छेड़ना नहीं चाहिए। तो अब जैसे कहीं के एनी में या एनएनई में वॉशरूम्स हैं तो हम लोग रेमेडी कर देते हैं, तो आपने कहीं बार बोला कि तोड़ो और बनवाओ? आपने कितनी बार बोला कि तोड़ा ताड़ी तो चलती रहती, जिसका नहीं बना वो तो ठीक कर सकता है। अभी मेरा कोई चीज बनी हुई है और मैं उसे तोड़ के ठीक करवा लूँ, उसको फ्लैट करके कुछ भी रख दूँ, तो ये चीज ठीक है या नहीं? क्योंकि दूसरे वाले ने बिल्कुल मना कर दिया है, जिनके मैं सिर्फ वीडियो सुन रही हूँ, बट आई एम स्टिल इम्प्रेस्ड बाय हिम आल्सो, बट यस यू आर माय फर्स्ट गुरु एंड आई एम इन लव विद यू बोथ। तो अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ा सा कि अच्छा पहले तो मैं खुद एक्सपेरिमेंट करूंगी तभी दूसरे को एडवाइस दूंगी, क्योंकि अगर मैं इस लाइन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो इससे पहले मैं ये डाउट क्लियर करवाना चाहती हूँ कि डिमोलिश करवाना चाहिए या नहीं, या रेमेडी से ही टाइम पास करना चाहिए? देखो नहीं, टाइम पास की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर व्यक्ति ऐसे आपके पास आया, उसने कहा मुझे मेरे घर में रिनोवेशन कराना है, सपोज मेरे पास कोई व्यक्ति है, उसने कहा मुझे मेरे घर में रिनोवेशन कराना है, ठीक है, तो मैं उसको सही रिनोवेट करा दूंगा ना, जो चीज जहां पे वहां तोड़वा के नई चीज बना दो। जो आपका कंसेप्ट है वो व्यक्ति जो है वास्तुशास्त्र के साथ लाल किताब की प्रैक्टिस 110% करते होंगे, जिसका ये कंसेप्ट है कि ये नहीं तोड़ना वो नहीं तोड़ना ऐसा करना ऐसे वो हो जाता है, हम उसमें से नहीं है, हम प्योरली वास्तु कंसल्टेंट है, नो एस्ट्रो वास्तु, नो वैदिक वास्तु, नो लाल किताब वास्तु, कुछ नहीं। तो वास्तु जो कह रहा है वो अपने आप में एक पूरी कंप्लीट विद्या है ना, उसको उसी तरह से ही मान लीजिए, राइट। अगर आपको जरूरत है तोड़ने फोड़ने की, मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति का अपना ओन हाउस है, लेकिन उसको डिमोलिश करके दोबारा बनाना है, तो हम उसके स्ट्रक्चर को दोबारा रीडिजाइन कर लेंगे ना, हम उसे क्यों रोकेंगे करने से? क्योंकि जहां पर जो चीज है वास्तुशास्त्र स्ट्रक्चरल वास्तु तो वही कहता है, वैदिक वास्तु भी वही कहता है, ईशान्यम देवता करे आगे पाक मुचित्र नृत्य शस्त्रागारम वाय भंडार संस्थिता, इस तरह सूत्रों में उसने बता रखा है कहाँ कहाँ क्या है, यमने नृत्य मध्य पुरुष मंदिरम संस्थिता, तो हम उसको क्यों नहीं बनवाएंगे? बिल्कुल बनवाएंगे। दूसरी बात, अगर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है या वो नहीं चाहता कि भाई इतना सुंदर मेरा मकान बना है तोड़ा, तो हम रेमेडीज के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरा 90% वर्क तो रेमेडियल ही है मैम, मैंने मतलब तोड़ फोड़ वाला तो मुश्किल से 5-10% वाला होगा, या मैप के ऊपर डिजाइनिंग हम लोग करते होंगे मुश्किल से 5-10%, लेकिन रेमेडियल पार्ट इट्स वर्क्स और वो अच्छे से काम करता है, ठीक है जी। अमृता मैम, आपने कहा कि एस्ट्रो वास्तु, यस सर, एक और क्वेश्चन, जैसे आपने कहा वो एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट है, वो बिल्कुल इसको फॉलो करते हैं, तो सर जो आप पढ़ाते हो नेक्स्ट लेवल पे, उसमें भी आपने कहा था ना कि बेसिक में आपने जैसे एस्ट्रो की नॉलेज दी थी और एडवांस में मैं इसको करवाऊंगा, तो सर आप बिल्कुल फॉलो नहीं करते एस्ट्रो वास्तु? जो एस्ट्रो वास्तु फॉलो होता है वो वास्तु में कुछ अलग तरीके से होता है, मतलब ऐसा नहीं कि राशि देख के, एस्ट्रो वास्तु एक पार्ट है कि कांकणी चक्र है उसके अंदर, घटक चक्र है, कुरुम चक्र है, लेकिन उसको आज की तारीख में एब्सोल्यूट हो गया। जो अभी एस्ट्रो वास्तु हो रही है उसमें यह है कि भाई यहाँ पे ये हो तो यहाँ पे ये हो, यहाँ पे वो हो, वहां पे वो वाला नहीं अपन फॉलो करते उसको ना, एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी की जगह रखते हैं, वास्तुशास्त्र को वास्तुशास्त्र की जगह रखते हैं, ठीक है। नहीं कंबाइंड बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, कहीं पे वो कंबाइंड है उसकी रेमेडीज ऑल टुगेदर अलग है, जो रत्नाध्याय धातु अध्याय के हिसाब से होती है, लेकिन ये नॉर्मल रेमेडीज वाला जो एस्ट्रो वास्तु है फॉल्टी रिजल्ट दे जाता कहीं ना कहीं। ओके जी, बाकी विद्या इतनी बड़ी है, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, सबके अपने अपने रिजल्ट्स हैं, अगर उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करके आपको अनुभव शेयर कर रहे हैं तो उसके आप स्वीकार कर रहे हैं, अगर उनको अनुभव नहीं शेयर करें तो नहीं करें, क्योंकि मैं जिस जगह पे रहता हूँ उसे हरिद्वार कहते हैं, यहाँ हर गली में 2 ज्योतिष है और वो दोनों के दोनों आज की तारीख में वास्तु कर रहे हैं पर रिजल्ट्स नहीं आते हैं। मैडम सही बात तो ये है कि मैंने इसको बहुत गहनता से देखा है और एस्ट्रोलॉजी को अलग तरीके से बताऊंगा, इसीलिए दोनों के सेशंस बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग हैं और वास्तुशास्त्र के बारे में बिल्कुल अलग तरीके से बताऊं, राइट। वो नहीं, बाकी भी जिनसे भी मैंने बात करी वो कहते हैं आपका वास्तु जो है वो आपकी कुंडली में ऑलरेडी दिखता है हम लोगों को, वो तो अब, ये बात सच है। अब मैं किसी के लिए क्या कहूँ, मुझे तो नहीं दिखा आज तक अपना वास्तु कुंडली, आपको नहीं दिखा, आपको नहीं दिखा, ठीक है सर, आपको नहीं जानना चाहता। 22-23 साल हो गए अभी तक तो मुझे दिखा नहीं, बाकी नहीं तो कुंडलियां देख के लोगों के घर ही बताने शुरू कर देता, भाई तेरे घर में यहाँ ये ठीक है। अमृता मैम थैंक यू सो मच। दीपक सर कही है सर, जय जयकार हो आपकी, जय जयकार मालिक साहब।
सर वैसे एक नाइंसाफी है, आपने बहुत सारे आशीर्वाद उनको दे दिए जो आज ज्वाइन करेंगे, जो पहले कर चुके हैं उनको भी तो कुछ दे दो। वो सर पितामा जी ने पहले ही कह दिया कि जो पहले ज्वाइन कर सके उन्हें पहले ही मिलेगा। जिसने चार दिन पहले, तीन दिन पहले पैसे दिए हैं, साल पहले, महीने पहले की बात थोड़ी हो रही है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए भी कुछ ऐसा फी स्ट्रक्चर रख दो ताकि वो भी इसको ज्वाइन करके 25,000 गिफ्ट दे दिया प्रभु ने, तो हमारे जैसे को तो नहीं मिल रहा ना। आपने 7080 एस्ट्रोलॉजी के लिए देने हैं, वास्तु आप कर चुके, आप छोड़ दो, सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझ लो। एक घंटा एस्ट्रोलॉजी पढ़ो और उसका ढक्कन बंद कर दो। वैसे ये एस्ट्रोलॉजी जो है ये कितने मतलब कि कितने ड्यूरेशन का है इसमें? सर 8 दिन का कोर्स है, 8 ही दिन चलेगी। अच्छा 8 दिन वास्तु के साथ वो भी चलेगा? पहले वो चलेगी फिर वास्तु चलेगा। ठीक है ठीक है, चलो ना सर। वो पहले इसलिए रखी कि एस्ट्रोलॉजी में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम सारी रात भी बिता दे तब भी नहीं चल रहे। प्रॉब्लम यही है कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। वो बहुत सारे आ जाते हैं, तो उसको आगे एडवांस में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ेंगे नहीं सर। ठीक है ठीक है। वो गाना है ना आपका, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोने, तो आप बिल्कुल। ओके जी ओके, थैंक यू, भेज दे जेल में। ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल जी। रविशंकर जी, रविशंकर जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। सुमित सर से मेरा एक सवाल है जी। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यदि किसी के पास बंधन योग या पिशाच योग है और उसे मुझे यंत्र पहनाना है, और अगर वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि नमक से या इस तरह से स्नान नहीं करना चाहता, तो क्या हम डायरेक्ट उसको डाल सकते हैं? सर मतलब मेरी कंसर्न नहीं रहती, लेकिन अगर इमरजेंसी है तो उसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या कोई दूसरा उपाय है क्योंकि उसको कहने से वो करना नहीं चाहता है? तो हमारे यंत्र में कुछ जान कुछ आपने तो बना के फोटोग्राफ चाहे अपने घर में रख लीजिए, तब भी काम करना शुरू कर देगा, आप बंद बताओ उसको। हाँ नहीं मतलब नमक पानी का कोई और भी ऑप्शन है क्या? वैसे क्लीनिंग होती है उसकी, अगर आप चाहो तो मुझसे बाद में संपर्क कर लेना, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस विषय को छेड़ेंगे तो थोड़ा सा आउट ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना? कुछ लोग नए भी हैं इसमें। ओके ओके सर, एक और सवाल है, यदि घर से कुछ कटा हुआ, अगर हमने किसी पोर्शन को काट दिया है, जो भी आपने उपाय बताया है, तो क्या उसका इंपैक्ट फिर भी पड़ेगा क्या? एंजल टाइम, चलो एंजल टाइम, तुम्हारी आंखों ने बता दिया। रविशंकर जी, इस बात का हम पता लगा सकते हैं स्कैनर के माध्यम से, है ना? स्कैनर ने पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल डाली है, और उस स्कैनर से पूछ लीजिए कि ये जो मैंने काटा है इसका इंपैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके अच्छा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता? नहीं भी आ सकता, जब कट गया तो कट ही गया, उसमें कोई बात ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने कटिंग करने का नए ब्रह्म स्थान स्कैनर से ढूंढने जो कि मिल गए, ठीक है ना? हाँ, बस मैं ये जानना चाह रहा था कटिंग के बाद तो फिर उसका कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा ना? कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। ओके थैंक यू सर। थैंक यू डियर, थैंक यू। शालिनी मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी मैम। सर पहले तो आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, और रावत सर भी। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी सर, सर मेरा एक क्वेश्चन था, अगर साउथ साउथ वेस्ट में अगर किचन हो तो वो सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है मैम, आपको भी पता है बिल्कुल गलत है। सर उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए कोर्स ज्वाइन करेंगे। सर कोर्स तो ज्वाइन करेंगे ही, लेकिन किचन शिफ्ट ही करनी पड़ेगी? नहीं, हमारा कोई भी शिफ्टिंग ऐसी नहीं है कि तोड़ के इधर से तोड़ के उधर बना, वो शिफ्ट कर देंगे यंत्रों से कर देंगे, है ना? नो इश्यूज, वो सब सीख लेंगे, सब सिखा देने वाला हूँ मैं, कुछ भी छुपाने वाला नहीं, राइट? और बहुत सारे उपाय बता दूंगा जी। राजेंद्र जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी जी सर। जी हाँ
कल आपसे बात की, मैंने रात भर सोया नहीं क्योंकि पहली बार मेरी बात हुई थी आपसे जी। आपके वीडियो देखते हैं खाली, और यूं रहता है कि ये सांप से बात हुई अचानक से, तो रात भर यही सोचा कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा था बात करते। मैं आपका छोटा भाई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी 11 साल पहले आपकी तरह ही सीखा था, जब मैंने अरविंद सूद सर के पैरों को हाथ लगाया तो मुझे भी सेम फीलिंग ऐसी आई थी। पर सर मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ऐसा था, कभी जूम क्लास मैंने अटेंड नहीं की, पहली बार आपका वो देखा मैंने फेसबुक पे, और मैंने तुरंत उसको वो किया और सीख करके मतलब कुछ भी करके एक बार अपन वो करेंगे यूं। लेकिन कल बात हुई ना तो रात भर मैं सोचता रहा, मेरी रियलिटी में आपसे बात हुई। आपसे ये बात करने के लिए ही जाग रहा हूँ। थैंक यू डियर, थैंक यू। आपको तो मालूम है मैं अटैक वाला आदमी हूँ तो जल्दी सो जाना पड़ता है, लेकिन आपके लिए मैं आज जगा हूँ। कमला साहब से, संदीप जी से बात करके रहूंगा। थैंक यू डियर। ये फीलिंग थी, खैर मेरे को उपाय थोड़े भूल गया उसका कुछ नहीं, लेकिन मेरे सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपसे बात होगी मेरी। ऑलवेज वेलकम सर, कल फिर मुलाकात करेंगे, कल शाम का भी वेबिनार है सुमित रावल सर का, कल शाम को फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है सर, आइएगा सर, वेट करेंगे हम आपके। हैं हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर प्रीतम जी, जय गुरु जी सर जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। सर मैंने एनरोल कर लिया कोर्स के लिए, सर के कोर्स के लिए। क्या बात है, बहुत बहुत थैंक यू डियर। सुपर 30 में शायद आप आ गए हो, मुझे पता नहीं क्या स्कोर हुआ है, आप आ गए हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, रावल सर से एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन था सर, आजकल फ्लैट सिस्टम चल रही है, सिटीज में बहुत सारे फ्लैट रहते हैं सर, ऐसे केसेस में हम प्लॉट की डायरेक्शन देखेंगे या फिर हाउस की डायरेक्शन देखेंगे, फ्लैट की डायरेक्शन देखेंगे? दोबारा बोलो एक बार, क्या पूछा आपने? सर अभी जो फ्लैट सिस्टम चल रही है सिटीज में, खाली अपने फ्लैट को कुशल रखेंगे बस। ओके ओके सर, केवल अपने, थैंक यू, पूरे कंपाउंड को नहीं, पूरे उसको नहीं, केवल अपने फ्लैट। ओके राइट, ओके जी, थैंक यू सर, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। शास्त्री मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी, राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर मुझे पूछना है कि साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसको मतलब कैसे कोई उपाय है कुछ? उपाय का भंडार है मैम इस कोर्स में, आप आ जाइए, मैं बहुत सारे उपाय बताने वाला हूँ, एक से एक जबरदस्त है ना। मतलब वहाँ पर मतलब कोमोड बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ? कमोड, कोमोड, हाँ कोमोड बैठा हुआ है। हाँ, साउथ साउथ ईस्ट में उसका भी करेंगे मैम, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कुछ उपाय होगा सर? हाँ मैं कोर्स में बताऊंगा उपाय बहुत सारे। आइए मैडम, बता दीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए, आपको समझ में आएगी, उसके पूरे पूरे टेक्निक होगी ना, आप कोर्स में आके समझिए। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम जी। सरिता मैम, थैंक यू सर, जय गुरु जी। मैं सुमित सर से ये पूछना चाहती थी, अभी किसी ने पूछा था किसी के पीवाई या आरवाई जो भी है जो ये होता है, तो आपने कहा था कि अगर वो बंदा नहीं करवाना चाहता तो आप उसकी फोटो लगाकर आप उसको चेक कर सकते हैं, तो मैंने चेक करना है, तो वो मतलब फोटो लगी भी है मंदिर में जो आन रखना था, या 270 डिग्री में संदीप सर ने बताया था गायत्री मंत्र, तो वो मैं कल चेक कर लूं, उसे मालूम चलेगा ओरा स्कैनर से? हाँ करें ना, बिल्कुल, ओरा स्कैनर सब बताता है। उससे यही पूछना है कि मतलब इसका जो पीवाई और वाई हट गया ये कितना नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ, क्वेश्चन कि ओरा स्कैनर से क्वेश्चन सही को होना चाहिए ना? हाँ क्वेश्चन सही होना चाहिए, उसकी वो लगाओ, फोटोग्राफ लगाओ जिस बंदे के ऊपर आप करना चाहते हो, उसके ऊपर ओरा स्कैनर चला दीजिए आप। ओके थैंक यू सर। वो सारे सैंपल्स डाल के अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव है, जितने परसेंटेज है वो परसेंटेज में बता देगा, राइट? ठीक। गजेंद्र जी और निधि जी लास्ट हमारे। लास्ट है जी जी। ठीक गजेंद्र जी। सर पहले नया जी से पूछ लीजिए, फिर बाद में बताता हूँ। चलो थोड़ी अपनी सीट छोड़ते हैं जी। निधि जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम।
सुमित जी से मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मोबाइल कहाँ पर रिचार्ज करें तो बेस्ट रहेगा? कहीं पे भी जहाँ आपको मजा आए वहाँ कर। नहीं, जैसे ग्रोथ के लिए या हेल्थ इश्यूज के लिए, मतलब कहाँ बेस्ट है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन है, वहाँ पर अपना चार्जर वो लगा के उसको चार्ज कर लेंगे तो आपको जिंदगी में मजा आना शुरू हो जाएगा। मतलब चार्जर का मतलब आप बता रहे हैं या फोन रखने वाले डायरेक्शन बता रहे हैं? क्या क्वेश्चन पूछा मुझे? मैंने ये क्वेश्चन पूछा जो आप फोन को रखते हैं ना स्टेबल करके थोड़े चार्ज करते समय, वो पूछ रही थी मैं। ई एनी और मतलब फिजिकल और मेंटल हेल्थ स्विच के लिए क्या वास्तु में ठीक करें, मतलब क्या लगाएं जैसे पिक्चर वगैरह, जैसे आप के लिए डायरेक्शन और उसके सारे उपाय जो है वो कोर्स में बताऊंगा, है ना? नहीं, जैसे छोटी सी रेमेडी बताइए कोई, जैसे लगाने के लिए रेमेडी की मेरी बहुत ये मतलब रेमेडियल वास्तु की पूरी क्लास देख लीजिएगा, अंकों के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल। अच्छा, ओके ओके सर, ठीक है, वो भी कोई दिक्कत। ओके जी, गजेंद्र जी आप लास्ट हैं, चलेंगे फिर आज। जी सर। जी डियर, ये था कि बेसिक का वास्तु से करने के बाद सर हम लोग प्रैक्टिस में कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बेस कर सकते हैं सर की कर सकते हैं? जी जी, बेसिक वास्तु करके बेसिक प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, अपनी अपने पड़ोसियों की बेसिक रेमेडीज लगा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। दूसरा सर क्वेश्चन कि हेल्थ इशू के लिए सर कौन सा, जैसे हेल्थ दवा पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है और ठीक है, तो उसके लिए क्या कौन सा दिशा को सुधारना होगा सर? एनएनई जो डायरेक्शन है वो हेल्थ की डायरेक्शन है, है ना? एनएनई नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ क्या लगाना होगा सर वो कोर्स में बताऊंगा, क्या लगाना होगा बता देना सर प्लीज सर। बहुत सारे क्या कहते हैं, चार पांच डायरेक्शंस हैं हेल्थ के लिए, कौन सा हेल्थ इशू चल रहा है उसके हिसाब से। डिप्रेशन का और सर मान लीजिए कि पेट के रोग संबंधी है सर, उसके लिए। हाँ, तो डिप्रेशन का जो जोन है वो WNW और पेट का जोन जो है वो है हमारा क्या कहते हैं सेंटर ऑफ हाउस। तभी मैंने कहा कि इतना आसान नहीं है ये कि हमने एकदम तुरंत आपने मान ली। आप केवल दवाई का डब्बा फिलहाल जो है, मैं उपाय बता देता हूँ, जो आपका दवाई का डब्बा है वो NNE में रख दीजिए, उससे भी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके जी, थैंक यू गजेंद्र जी। रचना जी कहिए, बस चले फिर। चलिए अखिल जी, हमने आज एक जी 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 रचना मैम, आज सर पूर्वजों की जो फोटोज लगी होती है वो किस डायरेक्शन में लगी होती? साउथ में। हाँ जी, जी अखिल भैया चलिए। जी अखिल जी अनम्यूट करो सर। सुपर 30 की चीज है सर, वो टीचर था ना एक जिसने पढ़ाया था बच्चों को, सुपर 30 ऋतिक रोशन की फिल्म भी तो आई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो दिखाएंगे ये सुपर 30 हो चाहे सुपर 2 हो, मैंने तो ज्वाइन करना ही करना है। जिन बच्चों ने आज पेमेंट करी है वो सुपर 30 में आ गए हैं, उनकी कुंडली दिखेंगे प्रभु जी, जिसकी वर्थ 11,000 रुपए प्रति पर्सन है, इन्होंने अपनी तरफ से तोहफा दे दिया एक और आज। पहले छक्का मारा, अब छक्के में 12 मार दिया। और सर अभी हो गया, और तीसरा तो नहीं मार रहा, 200 सर कटिंग कर दे। अभी दो कल पक्का होगा, जातक में बजा साहब कुछ जानता हूँ, कल एक और छक्का लगेगा, छोटा मोटा तो लगा ही देगा। मैं तो आई लेट, मुझे तो लेट ही पता चला, बट अच्छी बात है कल भी आओ, आप आते हो तो सबका आशीर्वाद बढ़ जाता है, सबको आशीर्वाद मिल जाता है। जरूर जरूर सर, जरूर। स्वाति मैम कहिए, हाउ डू डू स्वाति मैम। जय जयकार सर। जय जयकार मैम, कैसे हो सर? आप दोनों बहुत दिनों के बाद बात हो रही है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया मैम, जय जयकार चल रही है पूरी फर्स्ट क्लास। सर आप कितने भी सुपर 30 बनाओ, सुपर 100 तो हम ही रहेंगे लाइफ टाइम। डेफिनेटली मैम, आप बात कर रही है उस, वो तो कोर ग्रुप में, तभी तो आपको ले लिया, नहीं तो बंद खत्म हो गया वेबिनार, तो खत्म, अब कोई उस कोर्स कार्स की बात नहीं करनी, जो भी है बोल रहा है। विकेट कीपर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है किरमानी जी, जो वेस्ट में लगा दो बस। अरे नॉर्थ वेस्ट का है सर वो, चांद नॉर्थ वेस्ट में लगेगा, नॉर्थ वेस्ट में।
मैं तो अखिल भाई का इतना बड़ा फैन उसी दिन हो गया था जब इन्होंने 2.5 घंटे में बाल कटवाए थे अपने लेकर आ गया उदाहरण है नहीं मेरी जिंदगी में आज तक बाल कटवाए और 5,000 उसी लेके आया हूँ मैं वही कह रहा कि 2.5 घंटे में तो गंजे ने बाल कटवाए उधर 5,000 में लेकर आ गए किसी में नहीं है भाई मैं 15 सर 15 दिन में उसके पास चले जाता हूँ थोड़े भी बढ़ते हैं मतलब काट आएगा एक चमत्कार था ये वाकई नहीं सर उसने मेरा पूरा नाम इस एरिया में ना फैला दिया कि वो आते हैं संडे को बड़े लोग आते कटिंग करा रहे उसकी छोड़ के मेरे से काम करते करो शुरुआत हुई देखो कितना अभी बड़ा प्रभाव बहुत है नहीं वैसे मैं अखिल भाई से कह रहा था कि जब हम लाइव में मिले थे इस समय तो सब ऐसा ही लग रहा है कि हम फैमिली बैठे हैं मैं लाइफ में कि अगर इनकी पर्सनैलिटी मतलब इनकी पर्सनैलिटी मेरे मतलब मेरी पर्सनैलिटी इनके जैसी होती तो पता नहीं मैं रिकॉर्ड ही तोड़ देता सारे के सारे सर अभी अभी कितने तोड़ रहे हो सर आपकी गिनती नहीं है फिर अभी बहुत तोड़ रहे हो अभी तो बस आशीर्वाद चल रहा है चलेंगे फिर चलेंगे प्रवीण मैम जय गुरु जी जय गुरु जी और जय जयकार राधे राधे सर मैं तो इंडस्ट्रियल कोर्स की वेट कर रही हूँ इंडस्ट्रियल दूसरा कोई इंडस्ट्री इससे सेकंड वाला जो कोर्स आने वाला है प्रोफेशनल हमने पहले किया था अभी उसमें कम से कम 30 इंडस्ट्री और जोड़ने वाला वी आर वर्क मतलब मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ कि जो हमारे इंडस्ट्रीज का बेसिक के अलावा जो इंडस्ट्री होंगी जैसे सैलून इंडस्ट्री होगी आज की तारीख हाँ जी हाँ जी इंडस्ट्री है या आपके मन में जो भी इंडस्ट्री आती हो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कि मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में जान रहा है 30 इंडस्ट्री को हम उसमें पूरे के पूरे शामिल कर लेंगे इट विल लाइक सर अभी मैं होटल का करके आई थी अमृतसर तो जय जयकार बस जय जयकार होटल तो बताया था हम हां एनर्जी थी एनर्जी वगैरह ही थी तभी देश हमारा धन धान्य से संपन्न बनेगा है ना कर लिया इंडस्ट्री का मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूं वो तो आपसे जरूर करूंगी डन ग्रेट मौका लग गया तो उसके बाद अपना एक इंडस्ट्रियल टूर भी कर लेंगे किसी अच्छी सी बड़ी सी इंडस्ट्री में ठीक है सर बिल्कुल सर सर विपन जी आप विपन अंबाला वाले आपकी बहुत तारीफ कर रहे भाई हैं वो मेरे सर मेरे भी 23 तारीख को मिलेंगे ना आप बुलाया को उसमें नहीं नहीं अभी मेरी बात नहीं हुई है तो एक ज्योतिष सम्मेलन करा रहे हैं विपिन भाई आप सबका स्वागत है आ जाइए उनसे हाँ हाँ अगर उनका तो फिर तो पक्का ही है सर मैं किसी सम्मेलन में जाता नहीं आपको पता होगा मतलब मेरी कभी पिक नहीं होगी किसी सम्मेलन में तो इस बार उन्होंने कहा कि मैं सम्मेलन करा रहा हूँ मैंने एक आधा सर्टिफिकेट मुझे भी दे ले यार मेरे पे सर्टिफिकेटों की कमी पड़ेगी क्या बात कर दी आप आओ तो सही थोड़ा सम्मान होगा ये होगा वो होगा हाँ नहीं सर बहुत अच्छे इंसान है बहुत बढ़िया बंदे हैं बहुत मुंबई भी आ रहे हैं 15 अगस्त के आसपास तो इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी हाँ बॉम्बे की मैं जलंधर में हूँ ना सर मेरा नाम तो लिख ही लो बॉम्बे वाला मैं जलंधर में हूँ ठीक है ले लेंगे जलंधर से आपको कोई बात नहीं और क्या ठीक है सर जी मैम जय गुरुजी जय गुरुजी सर जी मैम हाँ मुझे ये पूछना था जैसे ये वास्तु का कोर्स है ये बेसिक टू एडवांस है या ओनली बेसिक है अरे मैम इसका नाम ही बेसिक टू एडवांस है हम बेसिक काम करते ही नहीं बेस तो हमने यहाँ ये वेबिनार्स में आप सीख सकते हो इतना अगर बेसिक कोर्स करना है या उसकी रेमेडीज है आज भी हमने कितनी सारी रेमेडीज हो गई 4 दिशाओं के 3-3, 4-4 रेमेडीज करके 8-9 रेमेडीज तो अभी भी हो गई आपकी अगर आप हमारे पिछले वेबिनार्स भी देखोगे तो 30-40 रेमेडी तो वैसे ही बना लोगे आप नहीं yes, तो बेसिक टू एडवांस सिखाना है तो ये जो एडवांस में क्या क्या रहेगा सर जैसे ऑरा स्कैनर का पूरा डिटेल्स और उसमें वो मैम अलग कोर्सेज आएंगे इसके बाद मैम आप मुझसे प्रोफेशनल से बात कर लीजिएगा 7715930333 आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली दैट व्हाट यू राइट ओके सर ओके और सर ऑलमोस्ट आपने 100 से ऊपर रेमेडीज दे चुके पिछले 6 महीने के सेशन के वेबिनार्स में मोर देन 100 वो भी 100 रेमेडी बस मजा आ गया और क्या कर दीजिए इसे जय जयकार थैंक यू सर थैंक यू डॉक्टर साहब आप लास्ट है फिर चलेंगे आज के लिए नमस्कार सर सर आप दोनों से मुझे पूछना था हम लोगों की कुछ गलती हुई है क्या नहीं सर पीछे वाले बैच के जो हम लोग हैं आपके बच्चे हैं स्टूडेंट हैं वो लोगों ने कुछ गलती की है उन्होंने गलती करी उन्होंने प्रेम किया है हमसे ये बहुत बड़ी गलती है आदमी से प्यार करता हूँ
ये बैच में आप है ना, बोनस के ऊपर बोनस देते जा रहे हैं दिया सर, हमने किसी कोई ऐसा नहीं है कि ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, हमने तो सबको ऑफर दी है। सुपर 30 आज इन्होंने पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया, इन्होंने वो भी दे दिया। और बताओ ना सर, बोनस के ऊपर बोनस आ रहा है ये बैच में। अब ये इनकी मर्जी है ना, माता रानी करवा रही है, काम करने वाले कौन है? माता रानी का भंडारे खोल दो, इन्होंने खोल दिया। डॉक्टर साहब जी, जो अपना पहला बैच गया था ना आचार्य जी का, चारों बैच गए थे, वो एक से बढ़कर एक अमेजिंग गए थे। और सबसे ज्यादा प्यारा बैच मतलब संदीप सर, सुमित सर के लिए कोर बैच सुपर 100, मतलब सर ने उस क्लासेस के अंदर इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया, ये तो आप सब कुछ एक्सेप्ट करो। क्यों अखिल भाई? डन सर। सर आप एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में हो, वास्तु आप कर चुके हैं, बस ऐसे समझो। बिल्कुल, आप यही समझो जो भी उन्होंने दीपक को बात बोली है ना कि 7080 आप एस्ट्रोलॉजी के लिए दे रही हो, आप वास्तु को भूल जाओ, बस वो समझ रही 25,000 का कोर्स आपने 7,000 में कर लिया, और क्या बस। और नेक्स्ट उतने में ही कराने वाला हूँ सर, मतलब ये वाला अगर हमारा टेन्योर खत्म होगा तो नेक्स्ट कोर्स 25,000 में ही आएगा, 25,000 का ही होगा, ये समझो। ये लोगों को गिफ्ट मिल गया है जो इस बार ही आ रहे हैं। समझ आए तो सब कुछ समझ सकते हैं सर। सर आप समझ सकते हो, बात तो ये ना, हमने तो दिल खोल रखा है। ठीक है ठीक है। हाँ देखो, ये कहते हैं भाई साहब मैं तो 50% लूंगा, मैं क्या मना कर देता, पर इन्होंने कहा नहीं संदीप भाई आपने कहा है 100% तो 100%। मैं भी सिर्फ ये बोला कि चलो नराते चल रहे हैं, अभी बच्चों ने फीस भरी है, बच्चों के स्कूल खुले हैं, इनकम टैक्स भरा है, तो मैं कहा चलो जो डिस्काउंट होता कर दो, वो सारी बात। वही लगा कि हम लोगों ने कुछ हमारे इसके अंदर कुछ कमी। सबसे प्यार है सर हमारे सारे, चाहे हो चाहे छोटा हो, ऑल आर वेलकम सर, ऑल आर वेलकम। ठीक है ठीक है। ओके सर, जय जयकार सर, गुड नाइट, जय जयकार।